जिसमें आप आता है और यही चेंजेस जो हैं ये ज़िंदगी में जब तक ना हो इंसान वो एंजॉय नहीं कर सकता और ज़िंदगी को एंजॉय नहीं करता। अल्लाह ने इसलिए खूबसूरत मौसम बनाए, इसलिए हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज दिया और ज़िंदगी के चेंज के साथ साथ आपके लिए भी ये वो बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। और आज जिस तरह के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लॉन फैशन वीक येवो का डेब्यू यहाँ पर है और यहाँ पर हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं आज, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फूल ही फूल हैं, बाहर ही बाहर है और हर जगह पर आप ये देखेंगे कि अच्छी अच्छी खूबसूरत जो है डिस्प्लेस भी हुए हुए हैं। वो क्यों हुए हुए हैं? क्योंकि जब आप सेलिब्रेशन की तरफ आते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा माहौल भी अच्छा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन और स्प्रिंग समर 2017 की कलेक्शन भी आप लोगों के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसे जैसे मौसम चेंज होते चले जाते हैं वैसे वैसे चीज़ें मार्केट में भी आपको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएंगी और वो चेंज जो है वो आपको yayvo.com में भी नज़र आ रहा है और यही चेंज आपके लिए है। आप डेफिनेटली जब आप अपने लिए भी मौसम के साथ नए आउटफिट्स, नई फैशन की चीज़ें आप लोग चाहेंगे तो वो आपको yayvo.com से मिलेंगी। अच्छा, ये भी बताएं आपको कि फ़ैशन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान में जितना भी रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको इस साथ साथ मैं बताती भी जाती हूँ कि फ़ैशन के हवाले से सबसे पहले तो फैशन के हवाले से आपको ये बताऊं मैं कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें बिज़नेस तकरीबन रिकॉर्ड किया गया है 16.648 मिलियन फैंस जो ई कॉमर्स के ज़रिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जो बहुत बड़ा ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो क्लोदिंग के हवाले से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स जो इस वक्त मिल रही हैं जो आपको मिलेंगी वो भी ई कॉमर्स के ज़रिए ही मिलेंगी। और ये भी आपको बताएँ कि 2015 में जो ये जो तीन साल का जो अर्सा है इसमें सबसे ज़्यादा जो है टी शर्ट्स, हुडीज, ट्रक्स, शर्ट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी आइटम्स हैं जो कपड़ों के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इनकी सेल जो है वो रही है। अच्छा, साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हमारी इकॉनमी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कपड़ों के हवाले से भी है। वो इसलिए भी क्योंकि आप देखें कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है और इसके साथ साथ जो हमारा जो लेबर है वो भी उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिनको बहुत ज़्यादा इस वक्त काम भी मिला। और देखें जब भी हम बात करते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की बढ़ने की बात है, अब आपको काम मिलने की बात होती है, नौकरियाँ मिलने की बात होती है तो उसमें बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ के भी होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। और देखें जितनी ज़्यादा इकॉनमी के हवाले से अगर आप ये देखेंगे कि बाइंग एंड सेलिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रोथ भी होगी, उनकी ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, लेबर का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, लेबर बड़ी स्किल लेबर ज़्यादा से ज़्यादा फिर डेवलप भी हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो यही सेक्टर है 9.5% जो GDP है वो भी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 15 मिलियन पीपल और रफली 30% ऑफ द 49 मिलियन वर्क फोर्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, फैशन शोज़ अगर आप ये देखें तो नई नई कलेक्शन जो मुतारफ़ करवाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो फैशन के हवाले से भी अगर आप देखें तो हमारी इंडस्ट्री बे इंतहा ग्रोथ कर रही है। और इसमें सिर्फ ग्रोथ हम एक सेक्टर को नहीं कहेंगे कि एक ही चीज़ की ग्रोथ है, जैसे कपड़े, हर चीज़ में आप शूज़ ले लें, आप एक्सेसरीज़ ले लें, ज्वेलरी आपकी आ गई, आपके इवन ये तो एक आपका वो हो गया जो आपको मिल रहा है पहनने के लिए या आपको अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए और आपको फैशनेबल बनाने के लिए चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ वो इंडस्ट्री जिसे हम फैशन इंडस्ट्री कहेंगे, अभी भी फैशन वीक भी चल रहा है, जिस तरह फैशन इंडस्ट्री में आपके जो है फैशन शोज़ भी आ जाते हैं, उसमें आपके फोटोग्राफर्स भी आ जाते हैं और उसमें तकरीबन आपके सारे जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो लोग भी आ जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आपको आज हमने बताई हैं ये फैशन से रिलेटेड ही हैं। अच्छा, मॉडल्स जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, कोरियोग्राफर्स हैं, मतलब रिलेटेड हर इंसान जो इस फील्ड से जो रिलेटेड है वो इसीलिए ज़्यादा उनकी भी डेवलपमेंट हो रही है। मेकअप हो गया, सैलॉन्स हैं, आप ये देखें आपकी ग्रूमिंग के हवाले से
हर चीज़ बड़ा कंट्रीब्यूट करती है. मेकअप्स की इवन एक अलग रेंज होती है. आप ये देखें, यहाँ तक के मेकअप्स भी नए नए लिहाज से, आप ये देखें जैसे मौसम चेंज होता है, आप कभी वो सर्दियों वाला मेकअप गर्मियों में यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा आपको फ़ौरन से वो भी चेंज हो जाएगा. अच्छा, आपके इवन प्रोडक्ट्स भी चेंज हो जाती हैं. इसी के हवाले से अगर आप देखेंगे, आपके अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी फ़ौरन से चेंज हो जाती हैं. वो किस तरह से चेंज होती हैं, वो भी ऐसी चेंज होती हैं कि आपका सर्दियों वाला जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आप गर्मियों में नहीं यूज़ करते हैं. आपके इवन लोशंस हो गए, आपके ऑयल हो गया, आपका फेस प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए, आपके बॉडी प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, सब चीज़ें आप चेंज कर लेते हैं. अच्छा, डील ऑफ द शो भी मेरे साथ. अच्छा, ये तो बता दूँ पहले कि फ़ैशन के हवाले से इतनी बात हो रही है तो मैंने ओरिजिन्स का आउटफिट पहना हुआ है एंड इट्स अ लवली ब्यूटीफुल आउटफिट. और इसके बारे में बताऊँ कि ये भी अच्छा डिज़ाइंड है. अब देखिए इसकी भी जो एक थीम जो इसकी बनाई हुई है वो भी अच्छी है. कलर्स बड़े ज़बरदस्त हैं और कलर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ये अर्दी कलर है और इसके ऊपर बड़े अच्छे एम्बेलिशमेंट्स हुई हुई हैं. जो थ्रेड वर्क है बड़ा अच्छा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ. और मैं आपको बताऊँ डील ऑफ द शो जो है, डील ऑफ द शो है ये है एम्ब्रॉयड्रीड लाला कुर्ती है. 40% ऑफ में आपको मिलेगी, जो 2450 की थी अब 1470 की हो गई है. अच्छा जी, ये तो हमारा डील ऑफ द शो है. ठीक है, ये आपको मैंने बता दी जो हमारे शो के दौरान आपको इतने परसेंट ऑफ मिलेगा. तो हम हाजिर सेगमेंट की तरफ भी चले ही जाते हैं. आज हम ज़रा जल्दी जाएंगे, अभी नहीं जाना हाजिर के. हाँ ना, हाजिर की तरफ जाना है. अच्छा चलें ठीक है, अभी हम जो है ना हाजिर सेगमेंट की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी और बातें आपको जो है बता दूं. और आपको ये भी बता दें कि अच्छा yayvo.com जो है वो लेकर आ रहा है ये लॉन स्प्रिंग समर, जिसने आपको बताया 2017 का ये कलेक्शन जो है जो लॉन्च हो रहा है. और ब्रांड्स आपको इसमें मिलेंगे, गुल अहमद, सना सफीना, सफ़ायर, अलकरम और बहुत सारे. अलग गुल अहमद के बारे में आपको ये बता दूँ कि आप जब लाइव जाएंगे, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो है yayvo.com में आप में जाके सिर्फ क्लिक करना है और वहाँ पर जाकर आपको जो भी आप ब्रांड आप लेना चाहेंगे, सर गुल अहमद है, आप गुल अहमद पे जाएंगे, आपको गुल अहमद के आउटफिट्स मिलेंगे. इस वक्त यहाँ पर सामने लगे भी हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी नई कलेक्शन है. और ये आपको बताएं, और ये आज से ही गुल अहमद की कलेक्शन आपको मिल जाएगी. और साथ ही आपको जो है अलकरम जो थोड़े दिनों बाद जो है उसका भी थोड़ी देर बाद लॉन्च होगा. अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद लॉन्च होगा. और साथ ही ओरिजिन्स है, तर्ज है जो कल जिनका जो है लॉन्चिंग हो जाएगी, सफ़ायर एंड जुनेद जमशेद 3 मार्च को जिनका जो कलेक्शन है स्प्रिंग एंड समर ये कलेक्शन का लॉन्च होगा. साथ ही सना सफीनाज का 4 मार्च होगा. अच्छा, हम यही सोच रहे थे माई गॉड ब्रांड्स को लेने के लिए कैसे जाएंगे, जैसे ही जाते हैं मार्केट में तो सब ख़त्म हो जाता है. लेकिन अब आपके लिए ख़त्म नहीं होगा क्योंकि अब आपने फ़ौरन से, जैसे हम आपको डेट्स बताएंगे, मैं एक दफ़ा फिर आपको डेट्स बता दूंगी ताकि आप उन्हीं डेट्स पे जाकर आप फ़ौरन से yayvo.com से मंगाएं और ये हैसल ख़त्म कर दें कि आप मार्केट में जाकर आप धक्के खा रहे हैं, वहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं. ये हैसल अब आपका ख़त्म हो गया. देखें जैसे मौसम चेंज होता है हमारे आउटफिट फ़ौरन चेंज हो जाता है, हमारा दिल करता है हम नई नई चीज़ें पहने. तो इसीलिए ये कलेक्शन आ गई हैं ताकि आप इनको भी इसे बनवाएं और इनको आप यूटिलाइज़ करना शुरू करें और अपने आप को अप टू डेट रखें. देखिए बात कुछ भी हो, अप टू डेट रखना ज़रूरी होता है क्योंकि आपके जितना भी आप फैशन अपना रहे होते हैं, मसला ये होता है कि आप अप टू डेट नहीं होते तो आप मज़ा भी नहीं आता, आपको ख़ुद भी नहीं अच्छा लगता, आपका दिल करता है कि आप नई चीज़ फ़ौरन से आप ख़रीदें. अच्छा, और दूसरी एक और चीज़ भी ये भी कि जितनी भी नई कलेक्शन है आप yayvo.com से मंगाएंगे, आपको जल्द से जल्द ये कलेक्शन आपके घर तक के पहुंच भी जाएगी. अगेन वही बात, आपका हैसल जो है वो नहीं रहेगा. अच्छा, आज मैंने बड़ी मज़े की चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं और ज्वेलरी भी, ये ज्वेलरी भी आपको yayvo.com से मिलेगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू हाजिर वाले सेगमेंट पे. ठीक है, अच्छा जी, और आज फिर सिर्फ लाहौर वाले ही कॉल करेंगे लाहौर वालों के लिए, क्योंकि कराची वाले हमेशा जीत जाते हैं. तो हम जो है वो लाहौर में, ये रहा ना कैमरा 2, हाँ तो मैं इधर ही देख रही हूँ. अच्छा जी, तो लाहौर वालों के लिए ही है और लाहौर वालों के लिए ये हाजिर का जो सेगमेंट है ये मैं बता भी दूँ इसमें है क्या क्या हमारे लिए, मेरे लिए नहीं आपके लिए. अच्छा, जे क्यू का ये हुडी है, जैकेट है और ये आपको मिलेगी. अच्छा नहीं, हुडी है, ये खाली हुडी है और साथ ही कश्मीना की शॉल भी है. क्योंकि अभी मौसम है, जल्दी जल्दी यूटिलाइज़ कर लें, अभी थोड़े बहुत जितना रह गया है उतना तो आप कर सकते हैं. और अभी जिस तरह आपको बताया कि नॉर्दर्न एरियाज़ में तो अभी भी सर्दी है, लेकिन कराची में भी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है. लेकिन मौसम चेंज होने का देखिए फ़ौरन से होता है कि
आपने पहले से अपने लिए तैयारी कर लेनी है, तो इसीलिए तैयारी आपने पहले से कर लें और अपने जो आपको आपके लिए जो भी नई नई प्रोडक्ट आ रही है वो आप फ़ौरन से फैशन के हवाले से ख़रीद लें। अच्छा, जैसे ही कॉलर आएंगे लाहौर से, नॉट द कराची वाले, कराची वाले बहुत जीत चुके हैं और हमेशा जीत जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि कैसे वो कॉल डायल करते हैं कि फटाफट उनकी कॉल मिल जाती है। और आप लाहौर वाले जितने भी हैं वो हमें कॉल करें। एमन, एमन आ गई हैं लाहौर से। एमन जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, आप कैसी हैं ना? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ये बताएं कि आपने ये वो .com चेक किया? जी जी, मैंने चेक किया और मैंने क्या देखा, बहुत सी चीजें देखी हैं मैंने उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा लॉन स्प्रिंग समर 2017 है, और जिसमें बहुत सी ब्रांड है, सना सफीनाज है, गुल अहमद है, लाला है, जे डॉट है, सफायर है, और सेकंड पे मैंने देखा PSL का HBL के क्रेडिट कार्ड। ग्रेट 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 ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो आपको जो है क्या चाहिए, आपको ये चाहिए JQ की हुडी चाहिए या आपको शॉल चाहिए कश्मीना की? शॉल, शॉल कश्मीना की आप तक पहुंच जाएगी एक घंटे के अंदर अंदर, ठीक है? जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और देखिए, लोग फ़ौरन से जो है उनको पता भी चल जाता है, जब आप जैसे आप Yayvo.com जाएंगे आपको नई नई चीज़ों का पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप फ़ौरन से, आपका दिल भी करता है कि आप उनको ख़रीदना भी शुरू कर दें। अभी से ही तैयारी हम ये कह रहे हैं कि आपने कर लेनी है, क्योंकि मौसम जो है वो तब्दील होता जा रहा है और हम ऐसे रीजन में रहते भी हैं जहाँ पर ज़्यादातर गर्मी रहती है, और ऐसे रीजन में ज़ाहिर बात है आपका, आपके लॉन जो है वो ज़्यादा ज़्यादा जो है वो पहनी भी जा रही होती है। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नाजिया, आपकी पहले तो बहुत बहुत थैंक्स कि आज आपने लाहौर वालों को भी याद रखा है, क्योंकि हम लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं जबकि फैशन नहीं, नहीं हम देते हमेशा हैं, लेकिन देखिए हम तो कॉल के ऊपर देते हैं ना कि कॉल किसकी पहले लग जाती है। अब वो कराची वाले पहले कॉल कर लेते हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं हम मुकाबले पर हैं ना, हम क्या कह रहे हैं, कराची वाले बहुत ही तेज। ये बात तो है, नो डाउट, कराची वाले तो हैं तेज वैसे। आज आज हम लोग कराची वालों से आगे निकल गए। हाँ, क्योंकि हमने आपको आगे निकाल दिया ना, मुँह तो कराने से वही। अच्छा, वो चाहे कुछ भी हो ना, लाहौर वाले कहते जी लाहौर लाहौर है। हम ये बात नहीं कह सकते जी कराची कराची, हम कराची जी जी कराची, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के सारे शहर खूबसूरत हैं। हमें बड़ा मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जब हम बाहर जो दूसरे मतलब शहरों से जब कॉल आते हैं, रहती कराची में और हम बार बार कराची कराची में, तो फिर हम कैसे कराची वालों को बोल सकते हैं? नहीं नहीं, हम आपस में बहुत मोहब्बत है एक दूसरे के साथ, बड़ा प्यार है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी मोहब्बत हमारे हर मुसलमान हर इंसान के दिल में रखे, इंसानियत का जज्बा सबसे बड़ा जज्बा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा ये तो बताएं, प्यार प्यार में मैं आपको तोहफा नहीं दूंगी, मैं आपसे पहले सवाल भी करूंगी। मैंने कहते हैं ना कि इंसान की लक काम कर दे, मैं अभी आपका शो शुरू होने से पहले ये वो देख रही थी। देख लिया था, चलो बताओ क्या क्या देखा। आज तो प्री लॉन्च की लगी हुई है लॉन की, इसके अलावा 5 फीचर्स चल रही है 56% ऑफ पे, इसके अलावा 50% ऑफ पे चल रहा है ब्लूटूथ का, वो पहले वो था मेरे हाजिर 1700 के 2000 का था, अब 449 में हो गया। इसके अलावा PCL की PSL की शर्टें चल रही हैं, आप EG की और बहुत ज्यादा वो आजकल PSL का दिखा रहे हैं 50% वो उसके भी 15% ऑफ पे है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इतनी सारी चीजें बता दी, ठीक है ठीक है, आपको ये JQ की हुडी मिल जाएगी एक घंटे के अंदर अंदर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपकी कॉल का भी शुक्रिया। मेरा सेट कितना प्यारा लग रहा है जब फूल 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 हर जगह पर होते हैं, इतनी खूबसूरती लग रही होती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इतनी सारी खूबसूरती अगर हो और मेहमानों की भी आमद हो तो बड़ा अच्छा लगता है। और हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान भी मौजूद हैं, मैं उनके बारे में बताऊँ, उनके आने से भी जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप आए बाहर आइए वाली बात है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त और हंसमुख और सबको हंसाने वाली जिस जगह पर भी होती हैं, ये एक इंसान की भी गॉड गिफ्टेड एक चीज़ है कि वहाँ पर वो जगह बड़ी हंसमुख हो जाती है, इंसान खुश खुश होने लग जाता है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी हंसने वाली है, बहुत अच्छा काम करती हैं, शी इज़ अ वंडरफुल मॉडल एज वेल, और साथ साथ बड़ी अच्छी एक्टिंग भी करती हैं। मैं दावत दूंगी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बिनीता। अब आप वैसे आपके चेहरों पे स्माइल आ गई होगी, हाउ आर यू बिनीता, कैसी हो?
बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुश खुश हूँ। तुम्हें देखकर तो वैसे ही खुश हो जाती हूँ। वैसे तो नाजिया हमसे मिलती नहीं है, चलो शो के बहाने आपसे मुलाकात हो जाती है। या तो टाइम ही देती है। मॉर्निंग शो वालों के लिए कितना मुश्किल होता है। तो भाई नाइट में तो मिल सकते हैं। नहीं, यही तो मुश्किल है, जल्दी सोना होता है। बस आप मेरे घर जब दिल चाहे आप एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम, आप आए। बस डन है। मैं अच्छा सबको अपने घर ही बुला लेती हूँ। मैं कहती हूँ यार मैं नहीं निकल सकती। आपका घर इतना प्यारा है कि बस मेरे फौरन दिल के आने को, जैसे दावत मिली मैंने कहा हम तो आ रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली आए जी, बैठे बैठे तशरीफ रखे। कैसी आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक माशाल्लाह, मजे में, अल्लाह का शुक्र है। एज यूजुअल बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा आज मैं बहुत कॉन्शियस होकर आई हूँ। क्यों कॉन्शियस? क्यों आज क्यों कॉन्शियस होकर आई हो, क्या हो गया? क्योंकि एक्चुअली जो मुझे ड्रेस पहनना था ना, तो वो उसका कोई जो पैंट्स थी वो टेलर के पास रह गई थी, तो मैंने बहुत अच्छी कुर्ती बनाई हुई थी। हाँ, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे स्पेशली आपने मुझसे मिलने के लिए बनवाई। स्पेशली मुझे एक हफ्ता पहले व्हाट्सएप ने कॉल किया कि आपने इस डेट को थर्सडे को हमारे पास आना है, तो मैंने उस दिन से ही जो है वो कपड़े बनाना शुरू कर दिए थे। ये देखा, आपने देखा ना कि लड़कियां और खवातीन कितनी ज्यादा कॉन्शियस होती हैं कपड़ों के मामले में, कि उन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी कि जी मैंने ये चीज पहननी है और मैंने इस तरह तैयार होना है। अच्छा ये बात होती है, ये जो फैशन कॉन्शियस लोग होते हैं जरा रखते हैं, अपना ख्याल रखने की जरूरत है ना। देखिए और फिर दूसरी बात है कि हमें लोग बहुत फॉलो करते हैं। अब हमारा फर्ज है कि हम अपनी जो भी हमारी लड़कियां नाजरीन है, जो हमारे अवाम है, वो हमें बहुत फॉलो करती है। आप समझिए हमारा जो मासिस है तो वो हमें ये देख रहा होता है ना कि अच्छा बनीता ने क्या पहना है, या नादिया हुसैन ने क्या पहना है, या नाजिया ने क्या पहना हुआ है, तो वो लोग देखते हैं उसे, फिर वो कोशिश करते हैं कि वैसे कलर्स पहने, ऐसे तैयार हों। अच्छा देखो ना, जैसे अभी आप ये भी देख रहे हैं, ये वो ने अब बड़ा अच्छा यहाँ पर एक जो है लॉन्च किया है लॉन कलेक्शंस के हवाले से, जो स्प्रिंग समर 2017 के जितने भी नए प्रिंट्स, नई चीज़ें, नए प्रोडक्ट्स, जिसमें आपको गुल अहमद, आपको अलकरम, सना सफीना, सारी चीज़ें जेड और बहुत सारे कलेक्शन आपको जो मिलेंगे। तो ये जो आप प्रेजेंट कर रही हैं डिफरेंट लॉन्च की जो ब्रांड है, एक ही अंडर वन रूफ? अंडर वन रूफ आएगा, आप में सिर्फ जो है www.yayvo.com लिखना है, आपके सामने सारी कलेक्शंस आ जाएंगी और एक एक करके लॉन्च भी हो रही है। आज जिस तरह जो है गुल अहमद जो है वो लॉन्च हो चुका है, गुल अहमद आज मिल जाएगा। Yayvo! ये देखे खवातीन के अंदर से जो खुशी निकलती है ना, लॉन की जो खुशी, लॉन की या फैशन के हवाले से जो खुशियाँ आती है ना। अच्छा भाई, तो मैंने भी लॉन ही पहनी हुई है, ओरियंट लॉन। तो बस जब ऐसे गर्मियाँ शुरू होती हैं तो बहुत सारी जो है ना, अभी कल ही मैंने 10-12 लॉन के जो है ना कपड़े उठाए। अम्मी ने कहा अरे भाई बड़ा खर्चा हो गया बेटा, तुम क्यों इतने? मैंने कहा मम्मी काम आते हैं ड्रामों में काम आता है। अब कहीं पर भी जाए, पता है अब तो ऐसी कलेक्शंस आ गई है ना कि आप कहीं पर भी जाएं, आप उनको चाहे शाम की चाय में जा रहे हैं उधर भी यूज कर सकते हैं, बच्चों को पिक करने जा रहे हैं उधर भी यूज कर सकते हैं, ड्रामों में यूज कर सकते हैं, आप फ्रेंड्स से मिल रहे हैं वहां पर, फैमिली में जा रहे हैं तो भी। अच्छा ये बड़ी आसानी है कि ऐसे कपड़े आ गए कि अब आप फैमिली में भी यूज कर सकते हैं और आप दोस्तों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लॉन के कपड़े हैं जो फॉर्मल टाइप है, सेमी फॉर्मल, जो आप मेहंदी में, मायों में भी पहन सकते हैं। उनके दुपट्टे इतने खूबसूरत आए हुए हैं, कोई ऑर्गेन्जा के दुपट्टे, नेट के ऊपर इतना अच्छा काम हुआ हुआ है, और अगर प्लेन जैसे कोई शर्ट है तो उसके नीचे बॉर्डर पे बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है, तो यू कैन वेयर इट लाइक आप देखो ना, उसमें कम्प्लीट एम्बेलिशमेंट्स हैं। हाँ देखें आप, फुल उसमें कढ़ाई हुई है, और ये दुपट्टा कितना खूबसूरत है। फ्लाशी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? फ्लाशी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा अपना फेवरेट ब्रांड कौन सा है? यार LSM। अच्छा LSM बहुत शौक से पहनती हूँ, और लखानी वालों की जो लॉन होती है, और गुल अहमद इज लाइक माय ऑलमोस्ट, और ये मेरा हमेशा का फेवरेट है गुल अहमद। लाइक बस आज हमने कुछ एक्टिविटीज भी करानी है गुल अहमद के हवाले से, वो आप करेंगी बाद में। ओह यस। अच्छा एक्सेसरीज कैसे मैच कर, आज बड़े अच्छे तुमने ये पहने हुए हैं, ये इनको कहते हैं चांद बाली ना? हाँ, चांद बाली। तो ये भी आजकल बड़ी इन हुई है चांद बालियां ना, देखिए अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अगर आपने कोई अच्छा लॉन का थोड़ा सा जिसके ऊपर थोड़ी सी कढ़ाई वगैरह हुई है, अगर आपने ड्रेस पहना तो उसके ऊपर थोड़ी और फॉर्मल इयररिंग्स पहन लिए ना, तो वो बहुत एक फॉर्मल लुक आ जाएगा। आप किसी बर्थडे पे जा सकते हैं, किसी की कोई दावत हो रही है आप उसमें जा सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए पहना कि स्पेशली नाजिया के शो में हम जा रहे हैं, उसके घर पे जा रहे हैं, तो जरा थोड़ा भरे भरे से जाएं। अच्छा जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, मैंने इतना चांद बाली में खरीद रही ना, तो कहा कि चांद बाली तुम क्यों ले रही हो, ये तो हमारे जमाने में पहना जाता था ना। मैंने कहा कि अच्छा, मैंने फिर नहीं ली ना उनके कहने से, मैंने कहा कि भाई मेरी कांटी थी उन्होंने कहा था तो। अच्छा कुछ दिनों बाद मैंने रेड कार्पेट पे निकोल किडमन को देखा, उसने चांद बाली पहनी हुई और अपना अच्छा सा गाउन पहना हुआ।
ज्वेलरी को बहुत पसंद करते हैं. एग्जैक्टली. तो वो देखो एक जो ट्रेंड जो चेंज हो रहे हैं वो अब हर जगह पर आ गए. अच्छा मैं एक और दोस्त है मेरी, मैं उनको भी दावत देती हूँ. आज मेरी दोनों सहेलियां आई, सो हैप्पी. देखो कितना अच्छा महसूस होता है. अच्छा अपना अपना उसका स्टाइल है, एक अपना ही मुनफरिद स्टाइल है. और जब भी कोई इसको इनको देखता है ना तो कहते हैं ये स्टाइल जो है ना ये हमें भी अपनाना चाहिए, क्योंकि वो लेकर आती हैं नए ट्रेंड्स खुद लेकर आती हैं. शी इज़ इवन वंडरफुल एंकर पर्सन है. एक्टिंग भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी की है, बहुत कम की है, लेकिन वंडरफुल एंकर पर्सन, मॉडलिंग भी बहुत करती है. किरण खान आप सबकी बहुत फेवरेट. हाय किरण, अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग मॉर्निंग कैसी हो? ठीक ठाक. मुझे किरण को देखकर एक वार्मथ आती है, एक अलग ही वार्मथ होती है. माय गॉड क्या होती है किरण, कैसी होती है? क्या हाल चाल है? कैसी हैं? ठीक ठाक है. लॉन्ग टाइम. अब आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है. किरण जो है ना शुरू से सिंपल, कोई ज्यादा मेकअप नहीं करती है ना, इतनी प्यारी लगती है, बिल्कुल अच्छी लगती है. मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको फॉलो कर करके आंख के नीचे वाला काजल तो खत्म कर ही दिया. ऊपर लगाया है लेकिन ये शुरू से कॉपीकैट है. हां ऐसे किरण को कॉपी करती है, लेकिन ये अच्छी चीजें कॉपी करती है. हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है. हमारी आपने कॉलेज के जमाने की है. एग्जैक्टली. अभी ये कोई 5-6 साल पुरानी बात है. बल्कि 5-6 दिन पहले बोलो ना. हाँ ये हमेशा मुझे इस तरह से ट्रेन करती रहती है. लेकिन देखो इससे मुझे कॉपी करके एक चीज इसने मेरी कॉपी क्या किया है, जब मैंने कुकिंग क्लासेस ली ना उन्होंने उसके बाद सीखा. मेरी कुकिंग फील्ड में आ गई. कर सकती है तो मैं क्यों नहीं. अच्छा भाई फैशन के ऊपर बात हो रही है आज भी, आप बहुत एज यूजुअल अच्छी लग रही है. ये उनकी मुझे ये नहीं पता कि आई थिंक अनाया की है या किसकी. हाँ उन्होंने मुझे वो दिए थे, तो ये हम लोगों के थोड़े से मजे हैं. मैं अग्री करूंगी सेलिब्रिटीज के कि वो हमें लॉन के इस तरह के जोड़े, जो भी इनका नया फैशन आता रहता है, नए कपड़े आते रहते हैं सीजन के हवाले से, वो हमें मिलते रहते हैं. I love your earrings even. देखो साथ में इसका जो, हाँ ये actually मेरी एक फैन ने मुझे गिफ्ट किए थे. Really? आपके फैन आज देख लें कि इन्होंने ये earrings, और उनसे पूछें कहाँ से लिए, क्योंकि बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत है. अच्छा लड़कियां भी एक दूसरे की चीजें देख रही होती है ना. अच्छा क्या पहन रहा है, अच्छा जूते कैसे. अच्छा ओवरऑल ये नहीं कि आप लुक जो है वो सिर्फ आपका ही देखा जाए कि हाँ ऐसे मेकअप कैसा है, कपड़े कैसे हैं. पहले तो सिर्फ ये होता था कि कपड़े कैसे, अब तो ओवरऑल लुक देखा जाता है, बाल कैसे हैं, कलर कैसा हुआ है, मेकअप कैसा है, जब तक आपका ओवर शूज कैसे हैं, मतलब ये तक देखा जाता है कैसा पड़ रहा है. एग्जैक्टली. किरण के साथ वैसे हमेशा मुझे बहुत मजा आता है, और जितने भी शोज हैं हमें जब इनवाइट करते हैं तो मुझे ज्यादातर किरण के साथ बुलाते हैं. किरण और मेरी वो कुछ एक जोड़ी बनी. अब तो काफी टाइम से खैर नहीं हम साथ आए नहीं, और हमने भी रिसेंटली कमर्शियल किया है थाईलैंड में, और हमने बहुत एंजॉय किया है. किरण के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. कहते हैं ना कि अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो उसके साथ सफर कर लें, तो किरण के साथ ये एंटरटेनर नंबर वन है. ये तो खैर हम थाईलैंड में गए वहां स्टारबक्स, कोई इंग्लिश समझे ना समझे, ये अपने उर्दू में बात कर रही है. अच्छा भाई पता नहीं क्या कह रहा है ये उर्दू में. इसने तुम्हें किरण ही बोला था ना वहां पर, और जो साथ जो हुआ था वो तो किरण. अच्छा चले अभी बहुत सारी बातें भी करनी है मुझे, भी आपसे पूछना भी है कि भाई फैशन में ब्रांड्स कौन कौन से पसंद है, क्या चीज पसंद है, एक्सेसरीज कैसी पसंद है. किरण में थोड़ा थोड़ा मैं कभी कभी चेंज भी देखती हूँ, कभी बड़ी बड़ी बालियां नहीं पहनती आज उन्होंने पहनी. चले अभी ब्रेक के चलने जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हमारे साथ. छाई है ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई. एक नई फिजा छाई है ये.
वो सब कुछ सुबह है नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह है नौ, ये वो और नई है सुबह है नौ। एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह है नौ लाई है, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह है नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह है नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। जी वेलकम बैक, और यहाँ पे बातें चल रही हैं कि जी इनके कपड़े कितने अच्छे हैं, इनके शूज कितने अच्छे हैं, इनके है ना, बातें ही हो रही होती है। अच्छा, बातों के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि बातें करते करते ना आप कहते हैं कि जैसे आप बात कर रही हो, मैं कह रही हूँ हाँ तो बिनीता क्या हाल है, घर पे सब कैसे हैं, ठीक ठाक, अरे तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे, कलर बड़ा अच्छा पहना, बातें कुछ और हो रही है करते करते, हाँ नाजी हाँ। बताओ मियाँ ठीक है, बाकी घर में सब खैर, अरे तुम्हारा ये नेकलेस बड़ा प्यारा लग रहा है, ये वो .com से लिया था, ये एग्जैक्टली ये चीज हो रही है। अच्छा, ये बहुत हाँ। शॉपिंग करती है भाई किरण, ये वहाँ चली गई एमबी के मॉल, ये कहती मैंने कहा हम लोग साथ निकले हाँ। कहती यार मैं अलग हो रही हूँ, रहती है ना क्या करें यार, ज्वेलरी अलग लेनी है तो बैग्स अलग लेने तो जूते अलग ले। अच्छा ये बात है, आप ज्वेलरी एक दफा ले ले, अच्छा पहन ले, उसके बाद कहते हैं यार इतना पहन ले, क्योंकि हमें एक्चुअली ज्यादा जरूरत होती है, हम ये नहीं कह रहे कि सब बहुत सारा खरीदे, जब हमें जरूरत नहीं थी, जब मतलब कॉलेज के टाइम पर जब हम लोग नहीं जरूरत होती थी इतनी, मुझे याद है मैं एक दो इयर रिंग्स होते थे जो हर जगह पहन लेते थे, तो पैसे भी नहीं होते थे, मम्मी से मांग मांग के। एग्जैक्टली, और अब ये भी हो गया है, आप पता है ज्वेलरी चीजें आपको हर रेंज की भी मिल जाती हैं, एक वक्त था कि आपको सिर्फ एक्सपेंसिव मिला करती थी, अब हर रेंज की होती है, और प्लस जब आप बाहर जाते हैं तो फिर ये होता है कि अच्छा चलो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी, अब तो खैर आपको हर चीज ये वो .com से मिल जाती है, यही तो बहुत जबरदस्त चीज है भाई, हर जो चाहिए आप घर बैठे बैठे ले लेना, बाहर जाने मैं वैसे मुझे इतना शौक नहीं है, मैं सिर्फ लेती थी क्योंकि आपको चीजों की जरूरत पड़ती थी, जब आप निकले हैं तो चलो आप ले लेते, यहाँ पे मैं नहीं जाती शॉपिंग के लिए, नहीं जाएगी कभी भी कि मुझे जाना है, नहीं यहाँ पर कराची में नहीं जाती, स्पेशली कहीं निकलना है शॉपिंग के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए ये वो .com बड़ा जरूरी है। ठीक है कि आप अम्मियों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे घर में बैठे हम बैठे, नहीं नहीं हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, लुकिंग एट द ट्रैफिक जैम ये सारा कुछ, मैं तो कहती हूं घर बैठे शॉपिंग करने को मिल जाए। अच्छा अब तो ये क्या मॉल्स में लोग ज्यादातर शॉपिंग के से ज्यादा वो घूमने फिरने जा रहे हो, घूमने फिरने या मूवी देखने चले जाते हैं, सिनेमाज में हर मॉल में जो है सिनेमाज लगे हुए, लोग जाते हैं मूवी देख लेते हैं, शॉपिंग वो आराम से करते हैं, विंडो शॉपिंग कर लिया कुछ खा पी, विंडो शॉपिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक जमाने में पसंद थी, लेकिन जब मैंने तो जब मैंने जिंदगी में एक चीज देखी कि ये जो हम जाके विंडो शॉपिंग कर रहे थे, इससे ज्यादा ये कि आप अपने अपने दोस्तों से मिलो, आप हाँ। अपने फैमिली से मिलो, आप वो टाइम जो वहां पर स्पेंड कर रहे हो वो अपनी फैमिली के साथ हाँ। आप करो, ये आपके अंदर ये चेंज मेरे अंदर बहुत ज्यादा आया, पहले मैं चीज वक्त के साथ साथ पहले थिंग्स को ज्यादा वो पसंद करते थे, अब इंसान को ज्यादा, तो ये जरूरी है जरूरी। अच्छा जैसे मौसम चेंज होता है तो दोनों से सवाल, पहले मैं किरण से कर रही हूँ, जैसे मौसम चेंज होता है तो क्या आप अपने आउटफिट्स में चीजों में सब चीजों में चेंजेस लेकर आते हो? ऐसा वैसा मेरे सारे जो गर्म कपड़े हैं ना वो मम्मी के घर रखे हुए, तो फिर मैं वहां से ले आती हूँ जब सर्दियां आती हैं, फिर मैं उनको पहनती रहती हूँ, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, इतनी अलमारियां नहीं है, मैं ढूंढ रही थी जगह नहीं, तो मैंने इतना ज्यादा अपने घर को अपने एक वो जो वार्डरोब का एरिया है उसको मैनेज किया हुआ है, बिस्तर के पीछे पर्दा लगाया हुआ है, फुल कवर किया है वॉल टू वॉल, और उस पर वो हैंगर वाले वो जो रॉड होता है सारे, क्या कैसे मैनेज करें, मतलब इतने जूते पे वो ड्रॉर्स बड़े बड़े वो लिए, उसमें मैंने वो जूते डाले हुए, बहुत सारी चीजें हैं तो वो मैनेज करना पड़ता है। हाँ मौसम के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती है, अब जैसे गर्मियाँ आ रही है, अब लॉन अच्छा अगेन मैं खरीदती नहीं हूँ, या तो कभी गिफ्ट मिल जाता है या फिर ये लॉन वाले हमें दे देते हैं तो मेरा वो सीजन निकल जाता है, मैं तो इतनी लालची हूँ तो लॉन मुझे मिले फिर भी खरीदती हूँ। अच्छा मुझे ये होता है कि मैं अपने लिए बहुत कम लेती हूँ, लेकिन फिर मैं अम्मी के लिए शॉपिंग करती हूँ, हाँ मम्मी के लिए पूरा एक होता है कि उनका अब पूरा
समर का वार्डरोब बनेगा, फिर विंटर का वार्डरोब नया बनेगा. हाँ, तो मैं उनके लिए जो मुझे मजा आता है कि मैं उनके लिए शॉपिंग करूँ, उनके लिए लूँ चीजें. अच्छा, वो एक फील अच्छा होता है इंसान को ना, कि वो आपके शॉपिंग का शौक पूरा हो जाता है. एग्जैक्टली. और ये बेस्ट होता है कि आप अपनी आपकी मुझे पता है अम्मियाँ बड़ी जो है ना वो टेंशन में आती है कि हमें शॉपिंग के लिए नहीं जाना, हमें बाहर नहीं जाना है. बिल्कुल आप उनको नहीं आप जाना. सामने उनके आप रखें लैपटॉप, रखें आप अपना मोबाइल रखें, और आप उनको बताएं कि भाई ये चीज़ें कलेक्शन आई हुई है, जैसे गुल अहमद की कलेक्शन आज से yayvo.com पे अवेलेबल है, तो आप जो है वो फौरन से yayvo.com बल्कि ये अच्छा है अपनी पसंद से ले सकते हैं, क्योंकि मम्मी के साथ यही होता है. अपने प्रिंट बड़ी मुश्किल से पहनते हैं, मजे के प्रिंट. अच्छा, हमारे साथ कॉलर उनसे बात करेंगे. हेलो जी, सलाम अलैकुम. हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे लग रहे हैं. रियली थैंक यू. आप ये बताएं कि आप कैसी हैं? आप हमें आवाज से तो अच्छी लग रही हैं. थैंक यू, ये तो आपका अंदाज ही नजर है. अच्छा, आप टंडो मोहम्मद खान से बात कर रही हैं, ये बताएं कि वहाँ पर आप लोग कैसे चीजें फॉलो करते हैं, कैसे मंगवाते हैं? yayvo.com से कभी आपने शॉपिंग की है? वैसे मैंने शॉपिंग की नहीं है, पर जैसे आपकी बता रही सब कुछ, तो फिर मैं सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन मैं गुल अहमद वगैरह के कपड़े लेती हूँ हैदराबाद जाके, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये थोड़ा गाँव भी पड़ जाता है हमारे जो है. तो आप अच्छा हैदराबाद जाके अब आप लेती हैं, तो आप ये टेंशन छोड़े ना, आप ऑनलाइन खरीदिए. आप www.yayvo.com से आप खरीदिए, तो आपके लिए बड़ा इजी भी हो जाएगा. अच्छा, ये एक चीज़ होती है कि आपका डे बाय डे आपके अंदर चेंजेस भी आ रहे होते हैं, आपको भी आप देखें जो ट्रेंड है, ट्रेंड्स फॉलो करते हो? ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, करते हैं, बिकॉज आई थिंक हमें ज़रूरत होती है. और मैं तो करती हूँ, अगर जैसे अगर कोई लंबी शर्ट्स चली हैं तो मैं फिर लंबी शर्ट्स ही बनाती हूँ. अच्छा, और अगर कोई छोटी शर्ट्स हैं तो छोटी शर्ट्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रेंड्स को फॉलो करूँ. लेकिन सब हम अगर किसी ड्रामे में कोई कैरेक्टर ऐसा है जिसमें छोटी शर्ट्स पहननी है, तो वो मैं उस कॉलर से बात करेंगे. कुलसुम कराची से, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी. कुलसुम क्या कहेंगी? आज तो आपका सेट बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. और सबसे बढ़कर कि आपके जो गेस्ट आपने बुलाए हैं उनको देखकर बाहर आ गई, बस उनको देखकर यही कह सकती हूँ. बाहर आई जी. कुछ सवाल करेंगे इनसे? मजा आएगा ना, सवाल करें जी. बस सवाल तो बस ये है कि अभी आप लोग जो ये बात कर रहे थे, तो मैंने यही कहा कि ना, एक तो ऑनलाइन बहुत अच्छी शॉपिंग का तजर्बा है, और मैं yayvo के हवाले से बताऊंगी कि इनके उस पर बहुत अच्छी आए दिन सेल लगती है. और जो सबसे बड़ी बात है, मैंने आसिम जोफा का सूट, आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने 2000 में खरीदा है. और दो सूट मैंने एक साथ खरीदे और बहुत अच्छे थे. एक सना सफीना का भी मैंने खरीदा. अरे वाह भाई वाह, क्या. तो मैं तो यकीन माने जिन ब्रांड के लिए मैं तरस रही थी, तो मैंने yayvo से मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली. और मैं तो चाहूंगी कि दोबारा yayvo इसी तरीके से ब्रांड्स के सेल वगैरह लगाए, ताकि हम जैसे जो घर में बैठे उनको थोड़ा फायदा हो पाए. क्योंकि हमें तो गिफ्ट वगैरह इतने, देखें दायरे इतने नहीं मिलते, मगर yayvo हमारे लिए गिफ्ट ही समझे कि एक चीज है उसको 50% off, 40% off में ले आए, तो वो चीज हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है. वैसे ही आपके लिए वो तोहफा हो जाता है, तो बड़ी जबरदस्त बात है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपने शेयर भी किया, आपने बताया. अभी किरण एकदम से चौंकी थी, हैं इतनी सेल्स होती हैं जी, इतनी सेल्स होती हैं, बिल्कुल कम हो गया. मतलब डिजाइनर ब्रांडेड लॉन आप ले रहे हैं. अच्छा, और अभी देखिए जितनी भी लॉन्च होंगी ना अभी ब्रांड्स की, तो लोगों को वो हैसल नहीं होगा, लिटरली प्रिंट्स खत्म हो जाते हैं बाहर. आप फौरन से yayvo.com से फौरन से आप बुक कराएं, आपको वो वही वाला प्रिंट फिर आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी कि मार्केट में जी अवेलेबल ही नहीं है. अच्छा, हमारे एक और कॉलर से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आतिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है. और आप बहुत ही प्यारी हसीन लग रही हैं. थैंक यू सो मच, ये तो आपकी नजर करम है जी. और ये किरण और वनीता जो बैठी हुई है, ये भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही हसीन. शुक्रिया. और हंसी बहुत प्यारी है. और बस मैं कहूँगी मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ. जो आपने भी डील दिखाई थी वो आप प्लीज दोबारा बता दीजिए. अच्छा, मैं अभी बता देती हूँ, दोबारा बताती हूँ, ठीक है? भी आप सुन लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. मैं दोबारा से डील ऑफ द शो बता रही हूँ, और डील ऑफ द शो है ये एम्ब्रॉयडरी लाला की कुर्ती है,
40% ऑफ में, ये पहले थी 2450 की और इस वक्त यार इतना सस्ता आपको भी मिल रहा है, शो के दौरान 1470 की मिलेगी, या कुछ भी नहीं कुछ है, भी है, नहीं आप है। आराम से इसको मंगवाएं, कुर्ती का है वो हाँ, कुर्ती आपको जो है आपका इंटरनेट ऑन है www.yayvo.com पे जाएं, आपको सामने नजर आएगी। ठीक है जी। अच्छा अभी हम एक गेस्ट से भी मुलाकात आपकी करवाएंगे और इनके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि बहुत ज़्यादा एकदम हमने इनको चेंज भी दिया है, किस तरह से चेंज दिया है ये अभी हम बात करेंगे, सब बातें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये आपने माहिरा देखी जिनका जो है पूरा जो है लुक चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, और नबीला का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नबीला एक इटसेल्फ बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने पूरा इनको जो है लुक इनका चेंज किया। मैं माहिरा को बुलाऊंगी, प्लीज कम ओवर, आप तशरीफ लाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, यू लुक सो नाइस, माशाल्लाह। पता ये लाइट में और नजर आ रही है ना, इतने और ज्यादा एग्जैक्टली एकदम एक ग्लैमरस, एक स्टाइलिश, एक जबरदस्त सा लुक, बाल अच्छे बने हुए हो ना, कटे हुए हो या कलर अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं तो आपकी वो चेहरे पे जो लुक आती है ना सेटिस्फेक्शन की, वो ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है। अच्छा इसको जरा आगे से ऐसे करके दिखाएं पूरा इसको फ्रंट से, हाँ लुक ये यहाँ से भी इसको सेट करो जरा सा। अच्छा ये कि छोटे बालों को भी इन्होंने बहुत अच्छा कट देके और अच्छे स्ट्रीक्स देके आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज। अच्छा बाकी अच्छा कैसा कैसा लगा कि जब चेंज आया, पहले कैसा फील करती थी, अभी कैसा फील कर रही हो? था ये कि मुझे थोड़ा चेंज चाहिए था, बिल्कुल ब्लैक बाल थे और सेम कट, वो मेरा तकरीबन पिछले 10-12 साल से वही था। सो आई 12 साल से बोर नहीं हो गई थी, बहुत बोर हो गई थी 12 साल से, कोशिश कर कर के क्या है कट करना है नहीं करना, बट फाइनली दिस एक्चुअली वर्क फॉर मी। उन्होंने मुझे कैरेमल ब्राउन कलर सजेस्ट किया था एंड वो स्ट्रीक्स के अंदर जिस तरह से अभी आपको नजर आ रहे हैं वो जेल इन बहुत अच्छे से कर गया। अब कपड़े पहनने में और ज्यादा मजा आ रहा होगा, है ना, अपने आप जो जाती है बिकॉज़ वो आदत नहीं होती देखने की और मैं वो बाल बिल्कुल। अच्छा मेकअप वगैरह पहले करती थी या नहीं? हाँ वो तो हल्का ऑफिस में जाते हुए लड़कियाँ मेकअप ना करें, मिनिमम मेकअप तो होता है। अच्छा आप क्या करते हो? मैं बेसिकली लोशन, आईलाइनर, ब्लश ऑन एंड नहीं पर, काम क्या करते नहीं जॉब कर रहे हो? काम मैं अभी फ्रीलांसर की तरह कर रही हूँ, आई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और डिफरेंट वेंचर्स के साथ, ये वो के साथ भी मैंने काम। अच्छा अब पूरा ओवरऑल लुक जब नबीला के पास आप गई थी आपको, अच्छा ये होता है कि अपना इंसान जो है ना बड़ा इनपुट देने की कोशिश करता है, डरता भी है, व्हाट आई बिलीव कि आपको हमेशा छोड़ना चाहिए, आपसे बता दें, मुझे भी होता है कि मैं सिर्फ अपनी लेंथ बता देती हूँ, ये लेंथ इतनी होनी चाहिए, इसके अलावा फिर आपका जो है लुक आपका, तो आपने उनके ऊपर जब छोड़ा तो वो उन्होंने आपको बताया पूरा ओवरऑल लुक कैसा होगा, क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी? अच्छा ये तरह से आप चीज़ें बताइएगा एक कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी से ना सुने, डायरेक्ट बात करें प्लीज। मेरी अपनी आवाज़ें आ रही हैं मुझे, कौन है? फाइजा कहाँ गायब हो गई? भाई है फाइजा, इतनी देर बाद कहाँ थी आप? मैं आपकी बातें सुन रही थी। अच्छा भैया तो तुम टीवी से सुन लेती ना बातें। अच्छा हाँ बताओ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल मैं तो सेट फिट हूँ बिल्कुल, आप बताएं कि आप बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू सो मच, आप भी मुझे बहुत पसंद है। ये बताएं कि आप शॉपिंग करती हैं? हाँ शॉपिंग है, ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं या अभी जिस तरह गर्मियाँ आई हैं तो अब फौरन से लॉन के कपड़े निकल आते हैं? हाँ बहुत। मीरपुर खास से कॉल कर रही हैं जी, बताएं। मुझे और ना किरण से बात करनी है। जी बात कीजिएगा। चले जी इन लोगों को छोड़े, हम लोग बातें करते हैं। फाइजा
हम तो ऐसे ही हैं जी. फायजा यहाँ से आपने क्या खरीदना है ये बताइए, क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए ये वो से? हेलो जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का, थैंक यू सो मच. अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक में वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहें. एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ. एक नया सूरज उभरा, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई. खुश आमदेद एक बार फिर नाज़रीन, और बड़ा मज़ा आता है जब हम बात करते हैं फैशन के, फैशन के हवाले से. हमारे ख़वातीन का फेवरेट सब्जेक्ट है भैया. अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर है, अशरफ साहब है. अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. लड़कों का भी हक है फैशन करने का जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है नाज़िया, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहेंगे? अच्छा नाज़िया, पहली बात तो ये है कि आप जैसा कि आज लाहौर वालों के लिए आपने प्रोग्राम मखसूस कर दिया है, कभी कराची के लिए कर देते हैं, कभी इस्लामाबाद के लिए, तो आप जैसे लोग भी छोटे शहरों में बैठे हुए भी हम आपका प्रोग्राम देखते हैं. नहीं नहीं, प्रोग्राम नहीं मखसूस करते, हम तो खाली तोहफा देते हैं. देखिए जहाँ पर हाजिर की इस वक्त जो है ना अवेलेबिलिटी है कि हाजिर का क्या कहेंगे उसको कि छोटे शहरों के लोगों का भी हक है, वो भी शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा, बिल्कुल होगा, और वहाँ पर भी इंशाल्लाह हाजिर जो है बहुत जल्द पहुँच जाएंगे टीसीएस हाजिर. अभी बड़े शहरों के लिए इसलिए कि बड़े शहरों में आमदोरफ्त की जरा ज्यादा मुश्किलात होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में चीज को बड़ा मसला होता है. तो ये बेसिकली हाजिर सेगमेंट है, और हाजिर के हवाले से आपको ये बता दें कि एक घंटे के अंदर अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज पहुँचानी हो तो वह आप पहुँचा सकते हैं. छोटे शहरों में तो आप वैसे यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, तो हाँ. मुश्किल ही नहीं है और ट्रैफिक भी नहीं होती है, तो इस वजह से चलें जी. सही है. अच्छा मैं मायरा से बात करती हूँ. मायरा ये बताइएगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लगा आपको जब लुक आपका चेंज करने लगी, तो आप उस वक्त कहते हैं ना कि बाल कट रहे होते हैं, एक नेचुरल एक लड़की के अंदर फील आती है कि वो हाँ वो घबराहट होती है, तो वो हुई थी घबराहट? काफी ज्यादा हुई थी एक्चुअली, क्योंकि मैंने काफी मुश्किल से अपने बाल थोड़े से लंबे किए थे. कितने लंबे हुए थे? कितने लंबे? ज्यादा नहीं, यहाँ तक कुछ बस सही है, फिर तो कोई फर्क नहीं. मेरे होते थे काफी लंबे पहले. अच्छा अच्छा. फिर वो बालों को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फिर वो जब उससे मेरी लेंथ कट की तब मुझे तकलीफ होना शुरू हुई. फिर जब हेयर डाई शुरू हुआ, क्योंकि इनिशियली कलर बहुत ब्राइट था मेरा, तो अच्छा. मुझे थोड़ा नेचुरल की तरफ लुक चाहिए था, तो वो फिर फाइनली वो फिर सेटल इन जब उसने जब ब्लेंड इन होता है. बट आई थिंक नबीला बट आई वाज रियली हैड अ ग्रेट जॉब. दे डिड वंडरफुल जॉब एंड विद योर मेकअप इवन बड़ा अच्छा सटल. आई मीन आपका अपने देखो अभी हेयर कट जहां पर हो रहा है आपको वो देखिएगा, वो दिखा भी रहे हैं. किसने किया था हेयर कट वहां पे? हेयर कट नकाश होते हैं, उन्होंने मेरा हेयर कट किया था जी. ओके, और पूरी ग्रूमिंग आपको फिर बताया कि ताबिश वाज आल्सो देयर, वो भी बता रहे थे कि किस तरह से उसको सेट करना है बालों का लुक. ही सजेस्टेड कि मैं साइड पार्टिंग नहीं करूं, सेंटर पार्टिंग करूं, बट अच्छा फिर उसके ऊपर ही सेट के नहीं चलें, इसको साइड पार्टिंग वैसे है आपका चेंज करते रहो. हां आप कर सकते हो सेंटर पार्टिंग. सेंटर पार्टिंग वैसे मैं आपको बताऊं आजकल फैशन में है. हमारे यहाँ पर अभी तक वो कहते हैं ना हाई लड़की ने बीच की मांग निकाल ली, ये भी तो कहते हैं, लेकिन बाहर के मुल्क में बहुत ज्यादा सेंटर पार्टिंग जो है फैशन में है. ठीक है चलो, सेंटर सेंटर ट्रेंड फॉलो करना. अभी तुम देखो अभी ब्रेक के बाद सेंटर पार्टिंग आप जो है, वैसे अभी तीनों सब
सेंटर पार्ट में निकाल दिया. तो ये हम लोग में जरा सा होता है कि जरा वो घबराते हैं, लेकिन सेंटर पार्टिंग अच्छी उस वक्त भी लग रही थी जब आपको फुल जो है ना वन लेंथ आपके बालों की हो, तो इस वजह से हमें क्योंकि इतना चेंज चाहिए होता है तो वन लेंथ हम रख नहीं सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रंट से. नहीं तुम्हारे पे सूट करेगा क्योंकि तुम्हारे आगे नहीं, मैं रखती हूँ, मैं अक्सर सेंटर पार्टिंग कर लेती हूँ कभी कभी जहाँ मुझे नहीं खिंचानी होती. अच्छा ये बता के स्पेशली आउटफिट के हवाले से आपने yayvo.com से लिया है? जी ये yayvo.com से लिया है. yayvo की टीम एक्चुअली उन्होंने बैठ के मेरे साथ, उनको दे टोल्ड मी कि दिस इज द लुक दैट यू हैव नॉर्मली, इसको थोड़ा चेंज करते हैं. अच्छा कैसा लुक था मतलब? अच्छा खड़े हो तो कि दिखाओ इतना अच्छा आउटफिट पहना है, जस्ट लव्ड इट, लव्ड इट, दिस इज ब्यूटीफुल. अरे किसकी कलेक्शन है ये? इट्स ऑल डिफरेंट. एक अलकरम से ट्राउजर है, शर्ट आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये सना सफीनास, आई थिंक सना सफीनास, ओके या एंड खुद उन्होंने कुछ स्टाइलिंग खुद भी की थी अपने एंड पे लेके. कलर्स भी अच्छे लग रहे हैं, बट आई लव्ड इट, इतना अच्छा कलेक्शन पूरा और स्टिच्ड मिला, दिस वाज स्टिच्ड. भाई बड़ी अच्छी चीज है yayvo.com से होती है किरण, अब तो लग रहा है बाकी है उसको देख के कि बड़ा अच्छा तो कमाल हो गया. अच्छा कई ऐसी चीजें हैं जो मतलब मैं खुद भी जब शो करना शुरू हुई तो मैं हैरान होती थी कि वो आपको मार्केट से नहीं मिलेंगी. अच्छा वही ना, वो प्रोडक्ट्स वो चीजें. अच्छा आपको बड़ी अच्छी प्राइस पे मतलब हाँ? क्योंकि नेचुरली बात है उन लोगों का आउटलेट नहीं है तो उनको बड़ी अच्छी प्राइस पे ऑनलाइन वो मिल रही होती है yayvo.com से. सो इट्स अ वंडरफुल थिंग, सबका भला भला है इसमें. हाँ, तो है exactly, और क्या? कितना भला काम निकाला इन लोगों ने. कितना सबके लिए भला काम निकाला. अच्छा हमारे साथ जायदा मुल्तान से हमसे बात करेंगे. जी जायदा जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक नाजी, आप भी कैसे हो? मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आपका क्या हाल है? फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, फर्स्ट टाइम. अच्छा? इतनी प्यारी से हमारे पास जो है नाजी आती है, इतनी प्यारी से हमारे पास किरण आती है, और साथ के जो हमारे साथ जो है लैला आपकी, जो आजकल इनका सीरियल आ रहा है बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा काम कर रही है. और नाजी आप तो इतने अच्छे अच्छे खाने खा रही है ना, खिला रही है ना अफगानिस्तान में जाके, मैं खिला रही हूँ, मैं तो सम्या के साथ खिलाती हूँ, किरण आपकी खिलाती है हर दफा. देखा आपने, चलो अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई. देखिए वहाँ भी गए, कहीं भी जाते हैं ना तो हम शॉपिंग को छोड़ते नहीं है, वहाँ से भी मैंने बड़ी शॉपिंग की थी. वैसे ये कोई कहने की बात है तो शॉपिंग. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अच्छा एक और कॉलर है भी या नहीं? शाजिया है, शाजिया से बात करते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं शाजिया बात कर रही हूँ वाकेंड से. जी शाजिया जी क्या कहेंगी? जी मैंने किरण से बात करनी थी. बिल्कुल बात कीजिएगा. हेलो अस्सलाम वालेकुम किरण, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. ये वो का आजकल बहुत हो रहा है, मैंने भी काफी चीजें ये वो से की है परचेज, बहुत जबरदस्त है. वेरी गुड. अच्छा ये मेरा ख्याल से वो जो पिछली कॉलर थी ना, मैंने उनको ऑफर दी थी कि क्या चाहिए आपको बताइए. हाँ, तो क्या चाहिए मतलब उसका ये था कि क्या खरीदना चाहती हैं आप? जुमले मुकम्मल किया करो किरण, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. क्या खरीदना चाहती हैं? ये खरीदना चाहती हूँ, लॉन का सूट खरीदना चाहती हूँ. चलो गुड, बस बिल्कुल आप खरीद लीजिए. लॉन लेके ये या वो उसमें, क्योंकि आजकल लॉन की बस हम लोगों ने सूट निकालने शुरू कर दिए हैं. अच्छा यहाँ से आप खरीद सकते हैं, आपको क्या खरीदना है? देखिए अभी गुल अहमद के हमारे पास आउटफिट्स हैं, आप तक अच्छा तो इनकी प्राइसेस क्या होंगे ये हमें नहीं पता ना, मुझे भी नहीं मालूम. हाँ, तो ऑनलाइन जाकर आपको सस्ते. अच्छा आप बताएं कि आपको इनमें से कौन सा आउटफिट पसंद है, तो हम जो है आपको बता. मैं उठ के जा रही हूँ अभी, वहाँ पर मैं जाऊँ अभी, हम आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं ना. हाँ, कैसे आए जरा, हम अच्छी तरह से दिखाते हैं. अच्छा मैं चाह रही थी आप भी आओ ना मायरा, आ जाओ. मुझे तो ये व्हाइट वाला बहुत अच्छा लगा. हाँ, मुझे भी ये दिस वन ऊपर वाला ठीक है. ये वाला तो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी मम्मी टाइप को दूंगी, वो भी दे सकते हैं. नहीं वो भी आप अपने लिए भी ले सकते हैं. उसका जो ये शर्ट है क्या है, ये दुपट्टा है? ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा मैं खोल सकती हूँ? बिल्कुल खोलो खोलो खोलो. नहीं दुपट्टा है, ये नहीं दुपट्टा है, खूबसूरत है. ये भी बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा ये जो है ये गुलाम है, हम आपको जो इस वक्त दिखा रहे हैं, और ये जो है लॉन्च हो चुका है. ये देखिए इसके साथ ये शर्ट भी है, और ये सी बॉर्डर पे लगाने इसको इसको ऐसे. अच्छा तो सुनो ये मतलब इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया. हम इसकी इफ्तिताह कर रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं. अच्छा इसके साथ ये लेस भी ना, लव किरण की नजर जो है ना
दुपट्टे की वजह से ना इसकी नजर आ गई। अच्छा दुपट्टे खूबसूरत होते हैं कि अगर शर्ट पीस और वो भी इतना अट्रैक्ट ना कर रहा तो दुपट्टे की वजह से कपड़े लेने पड़ जाते। देखो जैसे तुमने पहना हुआ है ना दुपट्टा, इसको इस तरह से। ओके हमें ब्रेक की जाने जाना है, इतने बातों बातों में किसी को पता नहीं चला। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहे। सूरज उभरा एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ। एक नया सूरज उभरा एक नई फिजा छाई है, वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है। कैसा ये लगती है, दिखाएं ये पेज पे लगती है ना, पीटीवी के पेज पे। कोई नहीं, हाँ मुझे पता है। में अनुषा रहमान के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने पर आमादा, जमहूरियत और सहाफत लाजिम व मलजूम हैं, तमाम सहाफी मेरी टीम का हिस्सा हैं और उनके तहफ़ुज़ात दूर करना मेरा फ़र्ज़ है, मरियम औरंगज़ेब। मकबूज़ कश्मीर में भारतीय फ़ौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी, भारतीय फ़ौज की कार्रवाई में ज़िला शुपैया में एक खातून शहीद, जिला शुपैया में एक हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के तीन अहलकार हलाक, छह जख्मी। अमरीका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के गिर्द घेरा तंग, छह रियासतों में कार्रवाइयां, 160 से जायद गैर मुल्की गिरफ्तार। कैनेडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का अमरीका से बेदखल अफराद को अपने मुल्क में कबूल करने का ऐलान। लंदन पुलिस फोर्स की 188 साल तारीख में पहली बार खातून मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर तैनात, उनकी तकर्री के बाद पहली मर्तबा बरतानिया में पुलिस के तीनों अहम मनसब मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, नेशनल क्राइम एजेंसी की सरबराही और नेशनल पुलिस चीफ्स काउंसिल की सदारत खवातीन के पास है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल, कदीम तहजीबों का मस्कन, बेहतरीन रिवायात और सकाफतों का अमीन, आवाम पुरअमन और मेहमान नवाज, खाने उम्दा और लजीज,
18 ماہ اور 26 دن میں 196 ممالک کا سفر کر کے عالمی ریکارڈ بنانے والی دنیا کی پہلی خاتون کیسینڈرا ڈیپیکل نے ضرور دیکھنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان کو ٹاپ 5 میں شامل کیا ہے۔ اور پاکستان سپر ایک نئی فضا چھائی ہے، یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے، یہ وہ اور نئی ہے صبح نو، یہ وہ اور نئی ہے صبح نو۔ ایک نیا سورج ابھرا، ایک نئی فضا چھائی ہے، وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے، یہ وہ اور نئی ہے صبح نو، یہ وہ اور نئی ہے صبح نو۔ ایک نیا سورج ابھرا، ایک نئی فضا چھائی ہے، یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے، ایک نئی فضا چھائی ہے، یہ وہ سب کچھ صبح نو لائی ہے، یہ وہ اور نئی ہے صبح نو، یہ وہ اور نئی ہے صبح نو۔ جی خوش آمدید ایک بار پھر ناظرین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں آپ ہی کے لیے زبردست، آپ کو خود اچھا بنانے کے لیے۔ ویسے تو ہمارے اب سب پاکستانی خواتین جو حضرات اور سب فیشن کے معاملے میں بڑے زبردست ہو گئے ہیں اور بڑا فالو بھی کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ آپ جیسے شوز میں یہاں نہیں بیٹھنے دیا، ہم نے کہا ناظرین یہیں پر آئیں، سہیلیاں تو پھر اسی طرح بیٹھتی ہیں نا، ایک فارمل ہے، اور پھر وہ گیت بھی گاتی ہیں، چلو پھر گا بہار کے گیت۔ اچھا مائرہ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی سہیلی بن گئی ہیں ہماری، اور اتنی پیاری لگ رہی ہے، اتنی اچھی گروم ہونے کے بعد تو بڑا ہی انسان کا جو فیل ہے نا اچھی ہوتی ہے۔ تھینکس ٹو نبیلہ کہ نبیلہ نے بڑا اچھا ان کو لک بھی دیا ہے، اور یہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں ابھی میں نے ان سے جو سوال کیے تھے کہ ہر لڑکی کا ایک فیل ہوتی ہے جب بال کٹ رہے ہوتے ہیں، ہر لڑکی کے دل میں ایک جو ہے نا وہ جب وہ بال ایسے سامنے رکھتے ہیں نا تو ہم وہ ان کے تھرو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا۔ اچھا جب کٹ جاتے اوکے فائن کٹ گئے بال، لیکن ضرور اچھا بالوں کا خیال ضرور رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، کلر چینج کراتے رہیں۔ ابھی نازیہ کے بال کو کھینچ کے دیکھ رہی تھی، میں نے کہا سنو تمہارے اپنے تم ایکسٹینشنز لگائی تو کہتی ہیں نہیں میرے اپنے بال ہیں بنیتا، اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے بال بہت خیال رکھا ہے، ایگزیکٹلی میں نے ایکسٹینشن لگانا چھوڑ دیے۔ اچھا مائرہ سے پوچھیں، مائرہ بھی ایک تو آپ نے بڑا اچھا آؤٹ فٹ پہنا، ہماری تو نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی ہیں جو آپ نے یہ وہ ڈاٹ کام سے خریدا ہے۔ اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ آپ بھی لان کا جیسی سیزن آتا ہے تو اپنے اندر کچھ چینج لاتے ہو، یہ وہ اسے خریدتی ہو آپ نے ابھی لوگ ہی لان اس وقت کلیکشن؟ ہاں ایکچولی ان کا لان کا جو کلیکشن ہے سارے برانڈز ہی لے کر آئے ہیں، گل احمد ان کا کل آیا تھا، آج ہاں کل لانچ ہو چکا ہے، آج الکرم بھی آ رہا ہے، پھر ثنا سفینہ سفائر کا میں نے سنا، تو دیٹس گریٹ۔ تو یس میں تو کروں گی یہاں سے شاپنگ اور تیاری کر لیے، ایک برانڈ میں لے چکی ہوں ان سے، تو اب اگلی شاپنگ ویکینڈ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو اچھی ورائٹی سارے لانس آپ دیکھ سکتے ہیں، کون سا آپ کو چوز کرنا ہے آپ کریں، آپ کو اس ہیسل سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ دکان پہ جاتے ہیں تو بہت رش ہوتا ہے، ہر چیز ملتی ہے نا، ہر چیز ملتی ہے، لان ہی نہیں آپ کی دیکھیں جیولری بھی ہے اور پرس بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، شوز ہو گئے۔ اچھا لڑکوں کی بھی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ خالی لڑکیوں کی ہے، لڑکیوں کا بھی سامان بہت سارا ہے، ڈیلیوری جلدی آ جاتی ہے نا، ہاں نہیں وہ تو کچھ چیزیں جو ود ان آور آ جاتی ہیں اور کچھ ہے جو ایک دو دن میں آپ کو پہنچ جائیں گے، مطلب کہیں کوئی فنکشن آ رہا ہے تو آپ پورا اپنا جو ہے نا اٹائر آپ چوز کر سکتے ہیں۔ بالکل 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 یہ بات تو ہے، اس میں میک اپ بھی آ جاتا ہے آپ کے اور بہت ساری اور چیزیں، میک اپ بھی سب، جسٹ نیم اٹ اور بریانی
बिरयानी भी आ जाएगी, आ जाएगी बिरयानी भी, पूछ रहे बिरयानी आ जाएगी, बिरयानी भी आ जाएगी, ये वो वाले बिरयानी का .com बिल्कुल, आपने जो चीज मंगवानी है वो आ जाएगी। थैंक यू सो मच मायरा, बहुत बहुत शुक्रिया आप शो में तशरीफ लाई हैं। थैंक यू सो मच एंड यू लुक गुड वंस अगेन, आपको हम एक दफा फिर देखना चाहते हैं, इतने अच्छा आपने आउटफिट ये वो .com से लिया, नबीला ने बड़ा अच्छा सेम ईयर, थैंक यू एंड द वे शी इज कैरिंग हर क्लच, ये भी देखा, हर चीज मैचिंग दिखा रही है, इतना नाइस, इज सो नाइस, ये भी ये वो से लिया, ये जी जी हर चीज ये वो से, yes the entire thing was done by yevo.com very nice, thank you so much, thank you, bahut bahut shukriya, bye bye, acche lag rahe ho and always look good, stay good aur feel good and feel good, bilkul, alright, bye। अच्छा ये देखिए जो फील गुड वाली बात है ना, आपके हाँ। आप जब लुक गुड होते हैं तो फील गुड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ये तो है हाँ। नहीं लेकिन इट वर्क्स वाइस वर्सा एज वेल, अगर आप अंदर से फील अच्छा कर रहे तो फिर बाहर का मैटर ही नहीं करेगा ना, नहीं, आपको फिर तैयार भी होने का दिल करता है, ये बताऊं हाँ। जब आप अच्छा अंदर से फील कर रहे होते हैं ना तो फिर आपका तैयार होने का भी दिल करता है। देखिए अगर आप अपने बाहर की चीजों के वजह से ज्यादा कॉन्शियस हैं तो फिर आपको लुक गुड पहले होगा, फील बाद में होगा, लेकिन आप अगर इनर उसमें सेटिस्फाइड हैं और काम ज्यादा मैटर करता है तो फिर बाहर व्हाटएवर। भाई मैं तो यही कहूंगी कि जब तक आप नहीं, जैसे से कोई भी सीन अगर ड्रामे में भी मेरे से कोई सीन जब तक नहीं होता अच्छा, जब तक मैं समझती हूँ कि मेरा वार्डरोब अच्छा नहीं है, मैं लग अच्छी नहीं रही हूँ, मेरी ज्वेलरी अच्छी नहीं, मैं जब तक सीन नहीं अच्छा करती। बिल्कुल। अच्छा हम अभी जो बात कर रहे हैं कि आज जिस तरह ये उन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रेजेंट किया है इस वक्त, आज से जो है लॉन के जो है पूरा ये सीजन जो है उन्होंने लॉन्च किया है जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स इनके साथ शामिल हैं और ऐसा ऐसा एक करके लॉन्च भी होते चले जाएंगे। अच्छा खवातीन जो है वो आपने यूजली देखा होगा ना कि वो जैसे ही पहले आता था इतने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा जी अभी जो है यहाँ पे एग्जीबिशन है, खवातीन जा रही हैं और सुबह से लाइन लगी हुई, जो हाल होता है आपने देखना है, ये देखिएगा जो वहाँ पर हाल होता है, इस हाल से आप बचना चाहते हैं हर तो साल हाल होता है। इस हाल से बचने के लिए ये वो .com बिल्कुल ये सच है, ये सच है, आप दोबारा देखिएगा भाई दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं, वेन्यू कोई बड़ा हो, वेन्यू या वेन्यू बड़ा, आप कहता है ये बहुत बड़ा वेन्यू है, आप इस वेन्यू को देखें और खवातीन का वहाँ पर हाल देखें कि जो एक दूसरे से जो फाइट हो रही होती है, ये तो मैं कहती हूँ भाई बहुत आसानी है, बहुत बहुत अच्छा काम ये वो ने, बहुत सकून अच्छा से, सकून बिल्कुल से अच्छा। अपनी जिंदगियों में हम कहते हैं आप सकून लेकर आए, जब आप खुद फील गुड, ये वो फील गुड है, आप हैसल से इनर फील गुड है, सकून अंदर से बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब ये जो कपड़े हैं ना यहाँ पे आप देख रहे हैं गुल अहमद के लॉन जो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे थे, लास्ट वाला भी मुझे बहुत प्यारा लगा, अब आपने ऐसे नहीं, हाँ हाँ लास्ट वाले में तो नजर ही नहीं पड़ी, आई एक्चुअली अपनी पसंद का, आप दोनों ने एक एक आउटफिट उठाना है, मिल जाएगा नहीं मिलेगा, अच्छा एक किस्म मैचिंग ज्वेलरी आप देखें, अगर मैचिंग आपको कोई क्लच भी नजर आता है तो वो भी आप इसके यहाँ पे सेट पे बहुत सारी चीजें, ठीक है आप लोग खुद निकालें इसको, उठाओ तुम अपना वाइट और इसको फिर आप फिर इसको मैचिंग कर फिर मैं ये ग्रीन ले लेती हूँ, तुम अगर व्हाइट ले रही हो ना या मैं इसको यही रखे रहूं, नहीं 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 उठा ले, उठा ले सारी चीजों को, या सिर्फ शर्ट पीस को उठा ले, नहीं पूरा उठाए पूरे के साथ बगैर मजा क्या आएगा, चलो ऐसे ही रख ले, इधर ले आए इधर ले आए इधर ले आए, हमारे पास है जगह बहुत है, वैसे ये कलर इतना प्यारा है ना, कलर बहुत प्यारा है। अभी सर लड़कियां जो है घर पे कैसे सेट करती हैं, अब कोई बात नहीं हमारे पास अभी सोफा में पर कर लूं हाँ, और क्या हम देखेंगे ना अपने स्टाइल से, अपने स्टाइल से, अपने घरेलू स्टाइल से हम करेंगे, दोस्त आती है तो सोफे पे रख रख के वो कर रहे यार, ये देखो ये मैं नया लेकर आई हूँ कैसा लग रहा है, देखो देखो यार ये आज मैंने ये शॉपिंग की है, तुम बताओ कि ये व्हाइट सही लगेगा मुझ पे, ये वाला जो है ना इसका काम आ जाएगा, ओह अच्छा इसको बताइएगा इसको आप किस तरह बनाएंगे, किस तरह का करके बताएंगे किरण, आपने ज्वेलरी भी इसका चूज करनी और उसको बताना कि आपने इसको आप पूरा सेट कैसे करेंगे, कैसा इसको सिलवाएंगे, किस तरह का, मुझे तो लगता है कि ये देखो ये इस तरह से आ रहा है, ये बैक है, फ्रंट नहीं, ये है, फ्रंट है ये वाला, आई थिंक ये फ्रंट है, ये फ्रंट लग रहा है मुझे, ठीक है वैसे मर्जी होती है, मर्जी मैं ये फ्रंट फ्रंट लूंगी, ठीक है, और ये नीचे का तो मैं इसको फ्रंट लूंगी और इस पे ये काम गला, जो गला है मैं ये यहाँ लूंगी ताकि ये उठे और ये तुम नीचे भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा ये जो आउटफिट जो किरण ने चूज किया है ना
ये है 6500 का, ठीक है। अब इसके साथ आपको देखिए शिफॉन का दुपट्टा विद फुल एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस है, सीक्वेंस के साथ आपको ये मिलेगा, ये जबरदस्त है। अच्छा, और इसका आपने नेक पे लगाएंगे और वो बॉर्डर, ये बॉर्डर एक्चुअली बॉर्डर नहीं, मैं बॉर्डर से और ऊपर को लगाऊंगी, जैसे बॉर्डर तो उसका बना हुआ है। अच्छा अच्छा, तो बॉर्डर के ऊपर अच्छा लगेगा। नाइस, ठीक है। आप देख भी लीजिए कैसा इसका स्क्रीन पे भी बना हुआ है। अच्छा, वेरी नाइस, आई लव दैट। अच्छा, ज्वेलरी भी इसके साथ कौन सी आप? ये भी गुल अहमद ही है। हाँ, तस्वीरें साथ होती है, ये गुल अहमद, गुल अहमद, बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ ज्वेलरी, क्या इसके साथ पर्ल्स भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा लगेगा गले में, अगर नहीं बट एक्चुअली गले में ऑलरेडी है, सिर्फ इसका कान का भी आई गेस इयररिंग्स होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक सिर्फ ब्रेसलेट ही पहन ले। हाँ, ब्रेसलेट ही बहुत, नॉट अ बैड आईडिया, ऑलरेडी मैंने जैसे पहना हुआ है ये वाला। हाँ, इसी का ही है, यू नो, गुड, आई लाइक इट। सिर्फ ब्रेसलेट पहन लेंगे और ये वाली जो इयररिंग्स मैंने जो पहनी वो ठीक है, गले पे कुछ, और ये आराम से पहन के आप किसी बर्थडे पे जा सकते हैं। अच्छा, और क्या एनीवेयर यार, क्लच भी है, पर्स भी है। हाँ बिल्कुल, आप देखें चूज करें कौन सा, ये अच्छा है लेकिन ये ट्रेंडी है, ये जाएगा, ये जाए ना, थोड़ा सा कलर नहीं ना जाए, देखो मैचिंग ना जाए, ये किरण स्टाइल, हां ये किरण स्टाइल है, भूल गए लग रहा है ये लो। हां, ये बहुत अच्छा लग रहा है, दुपट्टा प्रिंटेड है तो ये इसीलिए मैं कह रही थी किरण। और भी नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं, किरण ये अच्छा, आई लाइक दिस वन, ये अच्छा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप पीछे ऐसे आए तो बैक पैक की तरह, आप इसको आप पहन सकते हैं ऐसे, आप कोचिंग स्टाइल में भी जा सकते हैं, इसको देखो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं दोनों साइड। हाँ, इसको जस्ट, बल्कि ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ये स्टाइल बस पहन के बस सही है, अच्छा है वैसे ना, वाकई अच्छा है। सुनो, इसकी भी प्राइस नहीं पता चल सकती? बिल्कुल पता चल सकती है, www.yayvo.com बहुत अच्छी है ना। अच्छा, अब बनीता की तरफ आते हैं, चलें जी। हाँ, देखो ये शॉर्ट है, बिल्कुल कॉलर से बात करते हैं। ओके, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, हमारे साथ कौन है? दुपट्टा खोलो। हेलो, अनाया बात कर रही हूँ बिहारी से। अच्छा अनाया, क्या कहेंगी आप? मैं आपसे बात पहली दफा कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है बात करके। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तो बिल्कुल कोई ब्रांड नहीं है, हमें बहुत मुश्किल होती है, तो है ना ये वो .com यहाँ तो मुल्तान ये दूसरे शहर में जाना पड़ता है ना, बहुत। एक सेकंड, जरा इधर आओ, मैं इनसे बात करूँ जरा मोहब्बत प्यार से। हाँ अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप ये बताएं कि आपने yayvo.com पर गई है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ है नहीं ना, जाने नहीं होता, जाने की जरूरत थोड़ी है कहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, इंटरनेट तो है ना? हाँ बिल्कुल इंटरनेट है। इंटरनेट पहले इंटरनेट से शुरू करते हैं ना, इंटरनेट है। अच्छा, आप वहाँ पर जाएंगी, आप लिखेंगी, लिख लो अपने पास www.yayvo.com। ये वो के स्पेलिंग पीछे लिखे हुए हैं, ये आप देख लें, ठीक है? ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये आप जाओगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने सवाल किया कि अगर वहाँ पर कोई ब्रांड नहीं है जिस जगह पे आप इस वक्त मौजूद हैं, कोई भी ऐसा शहर हो, कहीं पर भी हो, आपने सिर्फ www.yayvo.com जाना है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूं, अगर आप वहाँ से डायरेक्ट शॉपिंग नहीं करते, उधर नंबर भी है, आप चीज़ पसंद करें, उसके बाद आप yayvo.com पे yayvo के नंबर पे आप कॉल करेंगी और उनको आप बताएंगे मुझे ये आइटम नंबर पसंद है, स्क्रीन पर आ भी रहा है, और आपने चीज़ मंगवा लेनी है, कोई हैसल नहीं होगा, आप तक वो चीज़ पहुँचेगी, आपने उसी वक्त पे कर देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है? चलिए विनीता की तरफ आते हैं। जी विनीता जी, अच्छा हम तो अभी ये सोच रहे हैं, मैं इसको ये कह रही थी कि देखो मिक्स एंड मैच भी करना चाहिए, जो शर्ट है वो जरूरी नहीं शर्ट ही बनाए, ठीक है? हम इसका है दुपट्टा माशाल्लाह बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, अगर हम इसकी एक स्लीवलेस शर्ट बनाए, ठीक है, दुपट्टा ना यूज करें, दुपट्टे को एज कोट स्टाइल बना लें आप। क्योंकि ये कोट स्टाइल बनेगा ना, तो ये और बहुत से वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी चलेगा, ये जैसे तुमने कहा स्लीवलेस अगर है ना, तो अगर ये स्लीवलेस के यहाँ पे अगर हम ये लगा दें, हाँ ये लगाएं, बोट कलर करके और बॉर्डर पे लगा लो, शर्ट की बॉर्डर पे लगा लो स्लीवलेस। अच्छा, और इनर शर्ट जो स्लीवलेस अगर वो थोड़ी शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट हो वो और अच्छी, और नीचे बेल बॉटम पैंट्स हो। हाँ अच्छा, असल डिजाइन इसका जो है वो ये है, ये भी आप देख लें, आप इस तरह बना सकते हैं। अच्छा, सबसे खास बात
जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी ये होती है कि उनके साथ में स्टाइलिंग दी हुई होती है। शुक्र है आइडिया मिल जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा अब बास्टर साहब को बताने में प्रॉब्लम नहीं होती जी, ये देखे ये है बस ऐसा बना, क्योंकि टेलर्स भी आपको ये कहते हैं भाई बाजी कोई तस्वीर है तो बता दें आप, तो उनको भी ये ठीक है। अच्छा ये आपको मिलेगा 7500 का और ये देखे प्योर शिफॉन के ऊपर ये बना हुआ है पूरा काम और ये आपको 7500 बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ये आजकल तुम चांद तो मैं पर्ल्स वाला नेकलेस क्योंकि हम इसको मॉडर्न बना रहे हैं ना वो ईस्टर्न है। अच्छा मैं भी अच्छा ये जरा ईस्टर्न पसंद कर रहे हैं आजकल तुम्हारा ट्रेंड जरा चेंज हुआ है वेस्टर्न। नहीं एक्चुअली देखो हमने जो स्टाइलिंग की है हम जो स्टाइलिंग कर रहे हैं मॉडर्न उसके लिए सारे वो झुमकी और सब चीजें हमें मालूम है जबकि मैं बड़ी ईस्टर्न हुई नहीं हूँ आजकल लेकिन लग नहीं रहा वैसे ईस्टर्न है लेकिन लिबास पिंक कलर का क्लच बहुत अच्छा लगेगा। कॉलर है बिल्कुल बिल्कुल बात करते हैं। अच्छा क्लच भी निकालो इसके साथ और ज्वेलरी भी जरा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक है आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल करम है अल्लाह पाक का। और मैं लैला आपकी से बात करना चाहूंगी। किन से? लैला आपकी से। लैला जी बात कर ले जी। अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक आप बताइए। और आपका जो ड्रामा चल रहा है ना खास कर धूल हम लोग बहुत शौक से देखते हैं पूरी फैमिली बहुत शौक से देखती है बहुत अच्छी लगती है उसमें। तो आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा उसमें? उसमें आपका और ऐशा आपी का रोल बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ तो वो एपिसोड सभी चल रही है मेरे ख्याल से तो अभी तो लास्ट था आई गेस नहीं चल रही है अभी। अच्छा चलिए पूरा ड्रामा देखिएगा वो बहुत अच्छा ड्रामा है सारे ख्वाब धूल हुए और आबिद अली साहब ने इसको डायरेक्ट किया तो उनके प्रोडक्शन में बहुत अच्छी कास्ट थी। उन्होंने बहुत बहुत अच्छा है ड्रामा हम सब देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल मुझे सबक भी मिल रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। बहुत घरेलू बातें हो गई हैं अब जो है अब यहाँ पर्स कहाँ से निकला है देखो हमने निकाला है ढूंढा है देखे नजर की बात होती ठीक है ये उधर चला गया और ये इधर आ गया। हाँ एग्जैक्टली दोनों क्या बात है भाई वैसे अच्छा लग रहा है। हाँ वाला भी अच्छा है ये गोल्ड। हाँ नहीं ये जो तुमने ले लिया ना देखो किरण अच्छा ये बात तुम दोनों के साथ। हाँ ओके व्हाटएवर यू से आई से। अच्छा जी बात सुने सब लोग। हाँ ये जो हमने आपको दिखाया है ना इस वक्त जो लॉन के ड्रेसेस हैं ये तो बड़े प्रीमियम क्वालिटी के हैं और ये थोड़े प्राइस के ज्यादा हैं। जो लोग ये लेना चाहते हैं वो ये लें लेकिन इसके साथ आपको ये बताएं कि गुल अहमद का जो स्टाफ है वो आपको तकरीबन 950 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप जाएंगे आप www.yayvo.com पे देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा बहुत बड़ी रेंज है। गुल अहमद आपको पता है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी इनकी रेंज है। आप जैसे ही जाएंगे आप देखेंगे आपको अलग अलग स्टाइल की चीजें जो है वो मिल जाएंगी। चलिए लड़कियों जरा मेरे साथ अब किसी के घर आओ और आके तो सारी चीजें ऐसे छोड़ के चले जाओ। अरे इनको पहले रहने दो। अच्छा जा रहे हैं क्या? देखो जाने से पहले रख लेते हैं ताकि तुम लोग इजीली बैठ जाओ। अच्छा साइड पे रख दो ये इस सोफे पे। अच्छा मैं तो वो वाली लड़की हूँ ना कि वो सारी जैसे बहुत सारी दोस्तें आई हूँ तो बोलती हूँ ये लोग ही काम करे और एक ही चीज को ना बस देखते देखते टाइम गुजर जाए इतनी देर में लड़कियाँ उठा लेंगी। मेरे घर को याद है सबको कहती हूँ लड़कियों चलो आओ अब सारे बर्तन समेटो चल के मेरे साथ। अच्छा ठीक है सही अगर ये होता कि जिस दिन सैटरडे होते तो सब साथ में बर्तन धो भी रहे होते। एक्चुअली पहले एक जमाना था जब आप उन लोगों के सामने काम करना शुरू करते थे तो लोग भी कहते थे ना हम भी करते थे। अब तो लोग भी कह गए अब उनको खुद उठाना पड़ता है कि सुनो चलो स्पेशली तुम्हें पता मेरी एक दोस्त अच्छा ठीक है ओके देख लो तुम्हारे घर की सारी सफाई कर दी है मैंने। हाँ कितनी अच्छी की है ना। अभी तय करूंगी बैठ के आराम आराम से। हाँ इसको नहीं नहीं रहने तो कोई बात ये नहीं कुछ और सफाई की बात कर रही हूँ मैं वो समझ रही हूँ मैं भी समझ गई थी बिल्कुल बिल्कुल समझ गई थी। अच्छा जी अब गेम शेम करें कुछ। हाँ कर ले तोहफा मिलेगा प्राइस होना चाहिए तोहफा मिलेगा चलो मैं आपको तोहफे के बारे जीने मरना हो गया इसके लिए। अच्छा तो जीतना होगा भाई किसी एक को ठीक है ना मैं आपको ये भी बता दूं टीसीएस सेंटीमेंट्स का ये तोहफा जो है अच्छी अच्छी चीजें अंदर
गिफ्ट हैम्पर के अंदर बड़ी मजेदार जो है वो चीजें मौजूद है, परफ्यूम भी है, चॉकलेट्स भी है, मार्क भी है। मुंह दिखाई दिखाओ इसको। वाओ नाइस, हल्का सा दिखा के वापस। किरण ये मैं लेके जा रही हूं, गिफ्ट है ना। अच्छा जी सही है, चलिए मैं एक एक करके सवाल करूंगी और जिसने जल्दी, क्योंकि रैपिड फायर है, आप उन्हें जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है ना। किस पे मिलेगा जल्दी देने पे? अगर मैं जीत गई ना तो जल्दी एक सेकंड दूंगी, सिर्फ जल्दी नहीं। देखें रैपिड फायर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें जल्दी से जवाब दे, जल्दी और मजेदार और इंटरेस्टिंग। और जितने भी लोग ऊपर अभी बैठे हुए हैं ना, समझ गए ना, वो सब जज हैं। ओके चले जी, मैं स्टार्ट लेती हूँ, विनीता आपसे स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, फेवरेट 90s का टीवी शो? फेवरेट 90s का मतलब 1990 की दिहाई का। ये क्या खामोशी नहीं होनी चाहिए? 90s का तुम बताओ। 50-50 90s शो बोले ना? नहीं वो 90s वो बहुत पहले, वो 80s का था डार्लिंग, वो 80s का था, वो 80s का था, 80s का था, वो ऑल टाइम है, ठीक है। आई गेस फिर नहीं, बात ही थी बस, अभी अभी खत्म आपस में तो बिल्कुल नहीं। किरण आपको कहना पड़ेगा जवाब देना। अच्छा, हील्स या फ्लैट? हील्स। कॉफी या चाय? कॉफी। अच्छा, आपने टॉप फेवरेट अपने ब्रांड्स बताने हैं तीन, ग्लैमर, एलएसएम और सना सफीनास। अच्छा, बेस्ट र्यूमर कभी आपने अपने बारे में सुनाओ? अरे भाई ये झूठ बोलती है, कोई बिरयानी नहीं खाती, बस बिला वजह मैं अपने आप को मशहूर करने के लिए बार बार हर जगह बिरयानी बिरयानी बोलती है। सच बोलते हैं वो। मायरा खान, फवाद खान? फवाद खान। अच्छा, नादिया हुसैन या सदफ कमल? नादिया हुसैन। अच्छा, कौन सा ऐसा ब्रांड है जो आपको अपने से बहुत ज़्यादा करीब लगता है कि आपके फेवरेट होगा? बंटो काजमी, मिना हसन या सना सफीनास? सना सफीनास। अच्छा, अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी हो खाने में और इसी वक्त आप खाना चाहें, क्या खाएं, क्या पसंद करेंगे? ऑमलेट। अच्छा, और इफ़ यू कुड बी एनी, अच्छा आप कोई जानवर अगर अपने से आप फील कराएं कि आपसे कोई मिलता है तो कौन सा वाला मिलेगा? कैट। ओह माय गॉड। अच्छा, कौन सी ऐसी मूवी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, बार बार देखना चाहती हैं? रॉन्ग नंबर। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, कौन सा ऐसा कार्टून करेक्टर है जो आपका फेवरेट है? टॉम। जेरी नहीं, टॉम। क्यों? टॉम की शरारतें मुझे पसंद है, टॉम बेचारा हमेशा फंस जाता है। देखिए जेरी बहुत तंग करता है उसको। अच्छा, टॉम का कसूर नहीं होता, अगर आप कार्टून देखें तो जेरी एक्चुअली जो होता है जो फस क्रिएट करता है, टॉम बेचारा एट द एंड ऑफ द डे कितने सवाल के ठहरे मैं देखती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सवाल पूछे, ठीक है ना। अच्छा चले जी, मैं इसमें भी लिख लूं कि कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेरे यही सवाल होंगे, 10, 11। अच्छा, कितने दिन में इनका हो गया था? ठीक है, बस अभी इनका भी किरण का टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। वाओ। अच्छा, 1 मिनट 54 सेकंड को बीट करना, बहुत जल्दी ली जवाब देने, ठीक है ना। अच्छा, अपने आप को तीन अल्फाज में डिस्क्राइब करें। सिंपल सिंपल सिंपल। अच्छा, अगर आप अपने आप को कहेंगे कि आप लाइव्स देखो, सवाल में टाइम एनी ऑफ द, चलिए इस बार सवाल को छोड़ दें। अच्छा, फेवरेट मूवी बताएं, कोई ऐसा किसी फेवरेट जो कोई जुमला जो होता है किसी मूवी का डायलॉग? एडलाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है मूवी, और फेवरेट डायलॉग कितने आदमी थे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका कोई एडिक्शन कोई है आपका कोई? एडिक्शन? हाँ, बहुत चीजों की होगी। नहीं, मैं खुद एक एडिक्शन हूँ लोगों के लिए। अच्छा अच्छा, मार्स पे जाके क्या करेंगे? मार्स पे जाना हो तो जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। ओके, अच्छा अगर आप गायब होती तो क्या करती? गायब होती चोरी करती, जगह होती एवरीवेयर। तो क्या करती? कुछ तो ऐसा देखो, गैब में तो बहुत कुछ है, तो मैं हर जगह होती, कह रही है ना, मैं हर जगह। अच्छा, अगर आप प्रेसिडेंट होती तो क्या करती? प्रेसिडेंट, हाँ, शॉपिंग फ्री कर देती। ये वो को बोलती मेरे लिए बहुत बहुत सीरियस सीरियस काम करती मैं, एजुकेशन पे काम करती मैं, पावर्टी पे काम करती मैं। अच्छा, कौन सी ऐसी जो चीज़ है जो आप हमेशा करना चाहती हैं? प्यार। ओए होए होए, अच्छा जी। और जख्मी कर दिया दिल तुमने। कोई पांच सब्जियों के अच्छे से नाम बताएं जल्दी से। ओ, करेले और लौकी और तुरई और बैंगन और आलू और मटर।
वेरी गुड. अच्छा घर में कोई ऐसी चीज है जो भी आपको लगता है कम है जो आप फॉरन लेना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, जगह भी नहीं है. ये वो डॉट से क्या शॉपिंग करेंगी? कपड़े. अच्छा कितने सवाल हो गए? मैंने तो गिना भी नहीं. इसके तो लग रहा 12-15 हो गए. अच्छा अगर आपकी नेशनलिटी कुछ और होती क्या होता? नेशनलिटी कौन सी पसंद होती कोई दूसरी? कोई दूसरी अगर पाकिस्तानी ना होती तो कहाँ क्यों? ये सोचना नहीं है. नाइम आप कह रही है मुस्लिम. मैं कोई नेशनलिटी नहीं रखती, बस मैं एक रखती मुस्लिम. इंसानियत रखती. इंसानियत की नेशनलिटी होती. अच्छा आपने 12 जवाब दे दिए. चले ठीक है. और आप जीत गए क्योंकि आपने भी डिले नहीं किया कुछ किया और किसी सेंटीमेंट्स का तोहफा ये आपके लिए हुआ. देखो मैं नहीं जीती, ये इसने मुझे जितवाया, इसने नियत कर ली थी. अच्छा आपके लिए ये सेंटीमेंट्स का तोहफा है. थैंक यू. और वो ये सेंटीमेंट्स सेंटी हो रही हूं. रोना मत अब. देखो आई लव इट. अब रुलाएगी पगली. खा सकते हैं? खा लो क्यों नहीं खा. हाँ और शेयरिंग इज केयरिंग. नजर ना लगे ना तो उसको भी थोड़ी मजा. जब तोहफा मिले तो उसको शेयर भी किया जाए. नहीं, तुम्हारे हाथ पे बात कर रही हूँ मैं. नहीं मेरी जान. थैंक यू. मैंने अगर जीत भी जाना था ना, आई स्वेयर ऑनेस्टली मैं इसको गिफ्ट दे देती जितना ये बेचारी बहुत बहुत उसमें थी. ओह सो नाइस. ये देखो मुंह मीठा कीजिए. सुनो इस खुशी में कर लो. तुम्हारा रोजा तो नहीं है ना? अच्छा चलो कर लो. मुझे पता है मीठे के साथ मेरे साथ मसला क्या. मैं मीठा खाऊं ना तो मुझे पानी पीना होता है. तो पानी मैं मीठा खाती नहीं. तो पानी पी लो. ये क्या तुम्हारा कॉम्बिनेशन है पानी? अब देखो मुझे खिला दिया उसके बाद कहेंगे ब्रेक पर इसी नहीं जाऊंगी मैं. इसलिए मैं खाती नहीं हूँ. ओके फाइन ब्रेक की जानिब जाते हैं. ब्रेक अब वापस आते हैं. हमारे साथ ही रहे. सूरज उभरा एक नई फिजा छाई है. ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है. ये वो और नई है सुबह नौ. ये वो और नई है सुबह नौ. एक नया सूरज उभरा एक नई फिजा छाई है. वो सब कुछ सुबह नौ लाई है. ये वो और नई है सुबह नौ. ये वो और नई है सुबह नौ. एक नया सूरज उभरा एक नई फिजा छाई है. ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई. एक नई फिजा छाई है. ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है. ये वो और नई है सुबह नौ. ये वो और नई है सुबह नौ. एक नया सूरज उभरा एक नई फिजा छाई है. जी खुश आमदेद एक बार फिर नाजरीन. और किरण बहुत खुश है. किरण इसका फेस इस तरफ करें. हम तो किरण की खुशी में खुशी मना रहे हैं. सेंटीमेंट्स का तोहफा कैसे करूं मैं एक मिनट बताती हूं. ठहर जाओ. हाँ ये यूं ना ये देखे ना ये इतना प्यारा सा तोहफा आप जीती हैं अभी. इतना प्यारा और मैं इतनी मेरे इतनी खुश हूँ कि ब्रेक पे मुझे इतना रोना आ गया कि मेरी दोस्त ने मैं दूंगी कुछ नहीं सॉरी. किरण एक चीज तो दे दो यार. ये लो देखो आधी चीज है. वो भी चॉकलेट वो ही निकाली और वो ही निकाल चुकी. हर चीज अपनी होती है. बस जीती है मैंने. शेयरिंग इज केयरिंग होता है वैसे. एक दफा फिर हम बता दें अपने नाज़रीन को कि देखें yayvo.com बड़ा जबरदस्त लॉन्च जो है उनका जो है पूरा सीजन शुरू हो चुका है जिसपे आपको बहुत जबरदस्त लॉन के आउटफिट्स मिलेंगे. आप बिल्कुल खरीद सकते हैं उनको. और अभी आज हमने अंदाजा लगाया बहुत दूर दराज इलाकों से भी हमें कॉल्स आए. सबने कहा कि हमारे यहाँ पर कोई है नहीं ऐसे कोई लॉन के आउटलेट्स नहीं है. आउटलेट जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट yayvo.com पर जाएं वहां से आप खरीदें. और दूसरा आपको हमने एक वीडियो भी दिखाई दी जिसमें आपने देखा था कि खवातीन आपस में झगड़ पड़ी हुई. झगड़ों से आप दूर रहें. रिलैक्स रखें अपने माइंड को. रिलैक्स रखें और आपने शॉपिंग करनी है yayvo.com से.
किरण ने भी जैसा भी बताया था कि ये वो डॉट कॉम से जो है ये शॉपिंग जो है करने से इंसान आप जब फील गुड करते हो तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना सुकून के माहौल में आप चीज़ें आपकी मिल जाएं आपके काम हो जाएं और क्या हर कोई यहाँ पर सुकून की तलाश में है तो जब आपको मिल रही है एक फैसिलिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेल करें हाँ बिल्कुल घर बैठे बैठे किरण बल्कि अच्छा है कि आप घर बैठे बैठे हम लॉन के कपड़े बिल्कुल और सबसे खास बात यह है कि जब से देखिए हम जितना ज़्यादा फैशनेबल होंगे जितनी ज़्यादा हम अपने आप को अच्छा ग्रूम रखेंगे उतना ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज भी अच्छा क्योंकि आप जो खरीदेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज भी उसमें बड़ा ज़्यादा बूम करेंगी और अच्छे कलर्स अच्छी चीज़ें अच्छे आउटलेट्स अच्छे आपके आउटफिट्स अच्छे नई कलेक्शन बहुत कुछ उसमें आ जाता है। अच्छा ये बताएं कि आप लोग के अपने अगर फैशन के लिए अच्छा जूस भी आ गया ओह नाइस ओके जूस आ गया है ये फ्रेश जूस है टोमेटो जूस लेकिन ये अभी पीना नहीं है ये गेम के लिए ओह टोमेटो है माय गॉड नहीं टोमेटो जूस मैंने ये तो अभी करना गेम या बाद में नहीं तो फिर पानी पिला के गेम करें पानी पिला के पड़ा ना पानी कहाँ गया पानी यहाँ पे रखा ये वाली गेम में तुम जीत जाओ ठीक है चले कर लेते हैं पहले गेम कर लेते हैं ओके ठीक है या अभी हाथ में पकड़ क्या करना है मैं भी बताऊंगी पहले सवाल करूंगी उसके बाद फिर आपको बताऊंगी क्या करना पानी अपने साथ आप नहीं है टोमेटो जूस पिला रहे इतना भी जीती हो उसके बाद तो खुशी में पी लो टोमेटो जूस हां प्लीज तुम्हें पीना पड़ेगा अच्छा कॉलर से जरा बात कर लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं बिल्कुल ठीक ठाक है आपका क्या हाल है अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक नाजिया माशाल्लाह बहुत जबरदस्त शो है आपका Thank और you. हम देखते रहते हैं बहुत जबरदस्त होता आपका शो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जी इतनी प्यारी प्यारी हमारी गेस्ट आई है ना इनको भी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह बनीता और किरण बहुत जबरदस्त बहुत प्यारी बातें मुझे आवाज ना मिसेस फारूक की लग रही है हेलो मिसेस फारूक है जी जी बिल्कुल हाँ देखा ओह माय गॉड यू आर सो कैची वेरी वेरी कैची और आप जो है ना मैं आपको देखती रहती हूँ फेसबुक पर जब आपकी तस्वीरें आती हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया कुछ सवाल तो करें कुछ बात करें हमारे गेस्ट आए हैं कुछ तो वाकई बहुत जबरदस्त है इंशाल्लाह इसमें मैं जरूर चेक करूंगी और अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर मंगवाऊंगी बिल्कुल अच्छा आपने वैसे देखा ना कि कितनी सारी चीजें जो है ये वो डॉट कॉम से अवेलेबल कभी आप वैसे कभी शॉपिंग की है अभी तक या नहीं अभी तक तो नहीं की लेकिन आज मैंने देखा तो वाकई जरूर कोशिश करूंगी ओके चलिए अब आप जरूर कीजिएगा किरण और गीता को जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ बहुत अच्छी लगती है इनकी माशाल्लाह बातें इनकी स्माइल बहुत जबरदस्त है किरण की और बनीता की बहुत जबरदस्त स्माइल है आप विन कर पाई है लेकिन बनीता को भी जरूर कोई ना कोई गिफ्ट मिलना चाहिए बहुत प्यारी है बनीता को मैं प्यार दूंगी मोहब्बत दूंगी बिल्कुल मेरे लिए इतना कह दिया कि पूरा ये वो का गिफ्ट सारे मेरे हो गए थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया एक और कॉलर और वो कॉलर हैं जिनको ये वाला इनाम वो वाला इनाम मिला था मैं बात करती हूँ एमन से एमन अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कैसी आप ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो कैसा लगा इनाम माशाल्लाह और ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा खुश हूँ जजाकल्ला आपका TCS का Yayvo.com का बहुत बहुत शुक्रिया TCS हाजिर का जिन्होंने एक घंटे में पहुँचाया नो डाउट बेस्ट वाकई क्योंकि मैं अक्सर प्रोग्राम्स में देखती हूँ कि जिन लोगों के मेरी कजन कभी विन करती है महीनों लग जाते हैं लेकिन यार यहाँ तो एक घंटे से भी पहले बहुत शुक्रिया जजाकल्ला बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का भी थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया और चलिए फटाफट गेम भी खेल लेते हैं नेवर Have I ever? ठीक है. Never have I ever. ठीक है. Twisted है ये. पहले मैं अच्छा एक-एक करके सवाल करूंगी. पहले इनसे करूंगी, फिर किरण से करूंगी. ठीक है. इसका क्या मकसद है? ये हटवा दो. अभी मैं आपको बता दूँ. ये पिलवाना नहीं. अच्छा. टेंशन ले सवाल के जवाब. बिल्कुल नहीं. जब जवाब देने. अच्छा दोनों का जवाब बताना है साथ ही. एक एक जवाब बताएंगे दोनों बताएंगे अरे दोनों एक साथ बता देंगे चलो एक ही सवाल का दोनों जवाब ठीक है सही है उसके बाद बताऊंगी क्या करना है अच्छा नेवर हैव आई एवर आपको कभी अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागना पड़ा फौरन से तो भागी है कभी जिंदगी बचाने के लिए अपनी लाइफ बचाने के लिए मैं भागी हूं आप भागी हैं तो बताएं ना कि स्कूल में एक दफा ना अच्छा ठीक है फिर आपको पीना पड़ेगा अगर जवाब दिया है नहीं मुझे नहीं पता ना ये आपको पीना पड़ेगा हर सवाल पे पीना हां यस है तो पीना होगा ओ अच्छा तो ये यस झूठ नहीं बोलना ना ठीक है ट्रूथ एंड डेयर की तरह है ना ठीक है चले पी लिया उसने पी लिया अब आप पिए कम ऑन बी अ स्पोर्ट बनीता
ऐसा कोई जहर वो भागी थी अपनी जान बचाने के लिए. लोगों को पसंद नहीं है इतना ज्यादा टमाटो. ओह माय गॉड. लोग पीते हैं लेकिन बहुत कम पीते हैं. बहुत कम लोगों का टेस्ट डेवलप होता है. अच्छा कभी किसी दोस्त के घर गए और उसके कभी उसका उनका बाथरूम वॉशरूम चेक किया हो, उनका कमरा जाके खुद ही चेक किया आपने? किया है मैंने. एक्चुअली मैंने चेक नहीं किया लेकिन नजरों के सामने चीजें आ जाती हैं. जिसने किया है वो पिएगा. हाँ मैंने किया है. मैं तो अक्सर अपने किसी दोस्त के घर पे गई ना तो अगर वो मुझे नहीं अपना घर दिखा रही तो मैं जाके खुद भी जाके ना बहाने से बोलती थी मुझे वॉशरूम यूज करना है. बहुत तो तेज है. वॉशरूम कैसा है. चलो बस अब पीना पड़ेगा. अरे यार. अच्छा कभी आप में से किसी ने अपने बाल खुद काटे हैं? अच्छा कभी वो अपने पेपर्स के दौरान एग्जाम चीटिंग वीटिंग की है? देखो ये बिल्कुल नहीं पीती है. इसका अभी तक वहीं का वहीं है. मेरा देखो कितना नीचे आ गया. देखो ये चीटिंग है. थोड़ा वापस लो. चलो पूरा लो जरा सिप लो. देखो वो ये देखो. अब आपने भी पूरा सिप लेना है. तो ये देखो मैं देख रही हूं कम हो रहा है नहीं हो रहा है. वैसे बहुत हेल्दी सब्जी का. अच्छा कभी अरे किरण खुदा को मार एलिवेटर में फंसे हो? अल्लाह की कसम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सुनीता का जो भाई है साइमन भाई उनकी भाभी छोटी सी बच्ची पियो हम चारों लोग थे. हम लिफ्ट में फंस गए और उसके बाद वो साइमन भाई जेनिफर भाभी और वो छोटी बच्ची थी वो सब रिलैक्स थे. मैं चीखे मार मार के रो रही थी. नहीं मुझे ये तो प्लेन में भी रो रही थी जहाँ बंद नहीं थी. अच्छा इसका मतलब तुम बंद जगहों से बहुत इरिटेशन इरिटेशन में तो टर्बुलेंस ग्लास पियो. फिर इससे पूछो टर्बुलेंस हुई रो रोने की आवाजें पीछे से आ रही. पूरा ग्लास पीना होगा. अरे पूरा प्लेन हाईजैक कर लिया मेरे रोने पे. पूरे यहाँ कोई बैठा हुआ अरबी यू डोंट क्राई दोस्तियां बना ली इसने. अरे कोई अफ्रीकन आया ना शायद क्राई इधर से टर्बुलेंस. मैंने कहा नो. अच्छा देखिए हमने तो खाली एलिवेटर की बात की थी. इन्होंने तो कह दिया कि ये तो जहाज में भी रोती हैं कमरों में भी रोती हैं अंधेरों में रोती हैं. तो बस फिर ठीक है और ये अटेंशन सीकर है इसलिए आप फौरन पूरा ग्लास. ओह माय गॉड पूरा तो नहीं मैं पी सकती. एक बड़ा सिप तो लेना पड़ेगा. नाजिया को भी पिलाते हैं तुम सबर कर. ओए होए होए क्या बात है. मैं पीऊंगी सोचो मैं अपनी ख्वाबों में. नहीं नहीं हकीकत में पिए आप. अच्छा बड़ा भाई आप लोगों ने जुल्म किया. बंगी चप किया कभी? हाँ क्या बंगी चप किया? क्या किया बंगी वो क्या कहते हैं? अच्छा वो बंजी जंपिंग नहीं कभी भी नहीं कर सकते. क्या हो गया तुम्हें? कभी ना बंजी वंजी नहीं. इतना बड़ा दिल नहीं है हमारा. अब बस करो. अब तुम पियो इस गलत बात पे. लो क्यों क्यों मैं की तो किया है तो किया है ना. मैंने नहीं किया बंचिंग. हाँ पहली बात तो ही मुझे बंचिंग समझ में नहीं आया. मैं आपको बताती हूँ बंजी जंपिंग होती है जब आप ऊपर से जाके अपने आप को रोप से टाई करते हैं और फ्री फॉल होता है. नो नेवर. आई डोंट वांट टू. तुमने भी नहीं किया? नहीं बस बिस्तर से जमीन तक. इधर अगर एनी होती ना तो उसने सारे दुनिया में जो है ना उसने किए होते हैं. स्काई फॉल रह गया वो भी वो कर लेगी एक दिन. अच्छा जी. अच्छा जी एसन हमारे साथ एक लास्ट रह गया था सवाल. अच्छा अच्छा किसी के फोन पे कभी चेकिंग वेकिंग की है? हाँ, बहुत. ये तो मेरा भाई हो चुका है. किस किस के आखिर फोन चेक किए हैं बताओ? मैंने तो मियाँ का किया है. मेरे फ्रेंड का किया है. अच्छा सही है चले ठीक है. मेरे को मुझे झूठ नहीं बोलना. नहीं सही तो दोनों पिएंगे आप. चले यार मैं तो काफी बड़ा घूंट पी. नहीं नहीं किरण बड़ा सिप लो यार. किरण अब किरण का बनता है. देखो ये वही के वही है. ये दे ज्यादती वाली बात है ना. ऑडियंस भी देख रही है कि बिनीता ने फिर जस्ट अच्छा, बस बिनीता जीत तो लेना पड़ेगा. देखो एक रूल बिनीता जीत गई इसमें. वैसे हाँ बिनीता जीत गई सही बात है. और यार इसमें बिनीता जीत गई क्योंकि इससे सबसे ज्यादा इसने जो है ना टॉर्चर. सो बिनीता टॉर्चरस ग्लास. टॉर्चरस ग्लास. तालियां क्या कोई गिफ्ट दो. मोहब्बत देंगे भी देते हैं. अच्छा और ये तुम्हारे कपड़ों से मैच कर रहा है. इसको तो पूरा पीना लाजिम होता है. इतना अच्छा आपके लिए हाजिर शो कर रही हूँ. शो के दौरान हाजिर से कुछ 6 सेकंड में. और वैसे एक बात बताऊं चलो मैं टेस्ट कर लेती हूँ. मैं भी तो देखो अगर इसका टेस्ट पी के देखो ताकि तुम्हें अंदाजा हो. बैड अगर तुम इसको टमाटर शमाटर पसंद है ना ये एंजॉय करेगी. या मेरे लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है. हाँ तुम पी लो. हाँ दूसरा ग्लास भी करेले का जूस हो जाए चाहे वो सड़ी. मुझे कोई मीठा खिलाओ ना वो मेरे लिए जहर है. मेरे लिए
चाहिए जहर नहीं है. ओके देन हैव इट बेबी, एंजॉय इट, एंजॉय इट. आई कैन एंजॉय इट वन मोर ट्राई. ट्रूली आई कैन एंजॉय इट. इसके अंदर जरा सा लेमन हो और हल्का सा, नहीं लेमन है, खट्टा है, नमकीन है, हल्का सा इसमें वो डाला हुआ काली मिर्च. ओए होए होए, दिस इज सो गुड. तौबा तौबा नाजिया, तुम तो ठंडा और ठंडा टोमेटो सूप है. नाजिया इसमें थोड़ा सा मिंट लीव्स भी डलवा लो ना. हां बेसिल लीव्स भी हो जाए. एक काम करो, दो कतरे इसके अंदर उसके भी डलवा लो, फिर दो ऑयल डाल के कुक कर लेंगे. डाले हो. अच्छा जी सही. अच्छा हमारे साथ एक कॉलर से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बातें करते हैं. जी वालेकुम सलाम. मैं सुनर कर रहा था. माशाल्लाह बहार के मौसम का आगाज हुआ है और उसके साथ ही आपने इतने भरपूर तरीके से लॉन्च की जो कैंपेन है वो लॉन्च की है. माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि yayvo.com से मुख्तलिफ ब्रांड्स की न सिर्फ लॉन्च और पर्स और दीगर सैंडल्स वगैरह की खवातीन मंगवा सकती है. लेकिन मुझे ये शिकवा है कि मर्द हजरात भी जब मौसम में बाहर शुरू होता है, गर्मियां आती हैं, तो मुख्तलिफ कलर्स के कुर्ते, वाइट शलवार कमीज, कॉटन की शलवारें, चीजें और सैंडल्स, चप्पलें मुख्तलिफ डिजाइन की इस्तेमाल करते हैं. उनके हवाले से भी तो बताएं कि yayvo.com से ले सकते हैं. बिल्कुल ले सकते हैं. मैंने बताया बीच बीच में कई दफा मैंने जिक्र किया, आपने पूरा शो नहीं देखा, बैठ कर शॉपिंग का शौकीन है, लड़के भी शॉपिंग कर सकते हैं, लड़कों के लिए भी बहुत ज्यादा शॉपिंग है. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. हमारे साथ आपको लड़कों के हवाले से भी जरूर बताएंगे. अच्छा मदिया हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. फूलों की कलियां, सुबह की हवा, सुभेनौ चलते रसदा. अस्सलाम वालेकुम अबी. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत आपने शायरी पेश की जी. वालेकुम अस्सलाम अबी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ. ये बताएं मौसम जैसे चेंज होता है तो लॉन के जोड़े आ जाते हैं जी, तो क्या आप कैसे खरीदते हो? मेरी मामा खरीद के लाती है, शॉपिंग कभी गई नहीं. अब तो आपको देखे, अब ठीक है, अब मामा को ना भेजो भाई, इतनी नहीं मामा को भेजे. अब आप भेजे मामा को www.yayvo.com भेजो, भेजने की जरूरत नहीं. आप दोनों बैठे आराम से डिसाइड करें कि आपको क्या लेना है. कंप्यूटर तक भेजे, लैपटॉप तक, हाँ मोबाइल तक भेजे. हाँ जी जी जी, आप बहुत अच्छी लग रही है, आपका शो बहुत सुपर डुपर, बल्कि उससे भी ऊपर है. सो नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. मैं विनीता आपकी से बात करना चाहूंगी. विनीता से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आपी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए ठीक ठाक है? जी आपी, मैं आपका शो बहुत शौक से, आपका ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ. बहुत शुक्रिया, इसी तरह मेरे ड्रामे देखते रहे, मुझे पसंद करते रहे, मुझे फॉलो करते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे. और ये बताएंगे नाश्ते में क्या खाया आपने अभी? मैंने आज, हमने खीर बनाई थी. क्या बनाई थी? खीर. खीर 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 नाश्ते में. जी आपी, आपका जो ड्रामा था मीना वकास के साथ, क्यों मिली ये सब, मुझे वो बहुत पसंद था. वो मेरा भी बहुत फेवरेट है, और उसमें जो हीरो है उमर शहजाद, वो भी मेरे बहुत फेवरेट है, इसलिए वो ड्रामा मुझे बहुत पसंद है. जी आपी, और आपका लगता है ख्वाब सब दूर हुए, वो भी बहुत प्यारा आपका लैला. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यही आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है जो आप ड्रामे भी देखते हैं उनके. और अच्छा, और आपको ये भी बता दें, देखिए जितना बहुत सारे इतना ब्रांड्स इस वक्त जो हैं वो yayvo.com पे लॉन्च हो रहे हैं, ज़बरदस्त ज़बरदस्त अलकरम भी आएगा, सना सफीनाज भी आएगा, साथ में आप ये देखें जुनेद जमशेद भी, बहुत सारे ब्रांड्स आएंगे. लेकिन गुल अहमद जो है वो आ चुका है, और गुल अहमद के बारे से आपको ये भी बताएं कि ग्रैंड मदर्स के लिए, जो हमारी अम्माएँ, जो हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ हैं, हमारी प्यारी प्यारी सी, उनके लिए भी ज़बरदस्त कलेक्शन उनके लिए भी आया है. देखिए वो अक्सर बाहर जाके शॉपिंग नहीं करती, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको आपने yayvo.com पे दिखा कर उनकी पसंद का जोड़ा आप उनके लिए ज़रूर लेकर आए. मैंने बताया मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है अपनी अम्मी के लिए पूरी कलेक्शन को उनके लिए लेकर आना, उनके लिए बनाना. सो इट्स रियली गुड. तो आप ज़रूर अपने जो है ना घर वालों के लिए, ये वो खुशियां हैं जिनको आप मिस नहीं करना चाहिए कभी भी. रुबीना है कराची से, उनसे बात करेंगे. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, और आपके मेहमानों को मेरा बहुत सारा सलाम. वालेकुम सलाम. और बनीता मेरे फेवरेट हैं. बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छी लगती हैं आप, और आपके सारे जो प्ले हैं बहुत अच्छे होते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया. अभी जो आजकल चल रहा है वो आबिद अली साहब के साथ जी, लैला जिसमें कैरेक्टर है, जी हाँ, वो बहुत अच्छा है, पीटीवी अच्छा पे चल रहा है. बहुत बहुत तो क्या बात है जी, आप लोगों की मेहरबानी, आप इतना प्यार कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं. अभी ब्रेक पे जाना, ब्रेक पे जाना. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया. जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक पे वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें.
मुस्कुरा एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, एक नई फिजा छाई है, ये वो सब कुछ सुबह नौ लाई है, ये वो और नई है सुबह नौ, ये वो और नई है सुबह नौ, एक नया सूरज उभरा एक नई फिजा छाई है, जी खुश आमदेद एक बार फिर नाज़रीन। और आपके लिए देखिए ज़िंदगी में जितनी भी आसानियाँ होती हैं उसके बारे में बड़ा कुछ आपको बताती भी रहती हैं, और ऐसन ने जिसका सवाल भी किया था उसके बारे से बताएं कि जी लड़कों के लिए बिल्कुल चीज़ें मौजूद हैं, और ज़रा दिखाते हैं ना कि क्या क्या ये वो डॉट कॉम पर है। और बॉयज़ ये देखें इतना कुछ है, इससे भी ज़्यादा कलेक्शन, अभी तो आपको थोड़ी सी कलेक्शन दिखा रहे हैं। जब आप ये वो डॉट कॉम जाएँगे तो ऐसन अगर आप ये वो डॉट कॉम पर जाते तो आपको पता चलता। लेकिन हाँ आप ये जानना चाह रहे होंगे कि कोई आप हम ऑन एयर भी बताएं उनके हवाले से, बिल्कुल आज तो आगाज़ है, आहिस्ता आहिस्ता देखें आपको बहुत कुछ बताएँगे हम, और कई चीज़ें आप ये देखें सेल पर भी नज़र आ रही हैं। तो जितना हम लड़कियों का ख्याल रखते हैं उतना ही लड़कों का भी ख्याल रखा जाता है, अक्सर हम बताते भी हैं शो में, आपको बता भी रहे होते हैं इसके हवाले से। नहीं नहीं बिल्कुल, और आजकल मैं कहती हूँ फैशन में लड़के किसी से कम नहीं है, बल्कि लड़कियों से ज़्यादा लड़के मसरूफ़ होते हैं शॉपिंग करने में, अपने सैलून्स में जाने के लिए जूते मोज़े टाई उनकी भी बहुत एक्सेसरीज़ हैं, तो आई गेस लड़कों का भी बिल्कुल हक है। और ये वो ने देखें आप लोगों के लिए भी निकाला है, क्या बात है। और जरूरी नहीं लड़के लड़के अपनी ही शॉपिंग करें, हाँ। लड़कियां भी तो लड़कों के लिए मतलब भाइयों के लिए हाँ, हाँ। फादर के लिए लेना होता है, बिल्कुल आप देखेंगे मैंने कहा ना कि आप ये चीजें मिस करेंगे सारी आज से। आप मुझे ये बताओ ये कैंडल्स भी मिलेंगे ये वो पे इस तरह की बिल्कुल चीज़ें भी, हाँ। ओ माय गॉड मैं आपको ये भी बताऊं, चलिए किरण मैं आपको एक दफा फिर बता देती हूँ, ये वो पे इवन आपको सोफा तक मिलेंगे, अच्छा आपको फर्नीचर मिलेगा, मुझे वैसे फर्नीचर खरीदना घर की जो एक्सेसरीज आपको चाहिए घर के वाले से, बर्तन चाहिए, नॉन स्टिक पैन भी मिलेगा, सैंडविच मेकर रोटी मेकर नेम इट रियली, और ये जो आप सोफा जो आप देख रहे हैं ये सब चीजें आपको मिलेंगी जी ये वो डॉट कॉम पे, क्या बात है सब कुछ अवेलेबल। तो अब मैं टीसी सेंटीमेंट्स बॉय को दावत देती हूँ, आई प्लीज थैंक यू, ओह लवली ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया बिनीता, ये आपके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये है किरण के लिए दिन तक और ये रहते हैं और खुशबू इनकी पूरे घर में रहती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, लव इट, और इतना अच्छा इन्होंने डेकोरेट करके दिया है, मैं तो दो चीजें लेके जा रही हूँ देखो किरण को कर दिया टीसीएस ने मुझे टीसीएस सेंटीमेंट्स, और मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ हाँ जी, और कुछ पर्स भी दे रही है, हाँ हाँ ठीक है ओके ओके सही है ठीक है, विनीता के लिए ये थैंक यू सो मच किरण, मैं भी दो चीजें लेके जा रही हूँ और ये विनीता के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज आप लोग तशरीफ दोबारा से रखिएगा, और कैसा लगा जब आप लोगों को फूलों का तोहफा मिलता है, तो तुम्हारे इस पर्स को बहुत देर से देख रही थी, मैंने कहा मेरे पास कुछ ऐसे कलर का पर्स है ना, ये डिफरेंट सा जरा है ना, हाँ और स्पेशली जब आप जींस वगैरह पहनते हो कुर्ती पहनते हो तब बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि फूल मिले कैसा लगा, फूल मिले देखिए फूल एक ऐसी चीज है जो मैं नहीं समझती किसी को भी या किसी भी लड़की को किसी को भी फूल पसंद ना हो, और ये फूल बहुत खूबसूरत हैं, दूसरी बात ये डिफरेंट हैं, रोज़ रेड रोज़ नहीं है इसके अंदर, डिफरेंट फूल लगाए हुए हैं, ये बहुत बहुत खूबसूरत लगता है मुझे छोटे छोटे ये चीज़ें, तो मैं अपने घर में भी काफ़ी इस सब की चीज़ें जो हैं फूलों की डेकोरेशन काफ़ी करती हूँ, काफ़ी करती है। आप किरण? मुझे तो बहुत ज़्यादा टच करती हैं ये चीज़ें जो अच्छी तरह से रैप हुई हुई हों, और बहुत ही ज़्यादा क्योंकि हमेशा चीज़ पर इतना नहीं होता लेकिन इट्स द थॉट दैट मैटर्स, तो ये जो थॉट TCS sentiments लेकर आया है सबके लिए ना, it's beautiful. It's going to touch a lot of hearts. अच्छा ये वाली बात है कि TCS sentiments आपके लिए जो कहते हैं तुमने कहा ना सेंटी हो गए, तो ये आपकी एक फील जो आती है ना वो नेचुरल फील आती है, वैसे चुन के नाम रखा है सेंटी, बाकी sentiments हाँ वाकई ये बात तो है। और जैसा कि आपको हमने बताया कि आज जो है ये वो डॉट कॉम की लॉन फैशन वीक डेब्यू जो है हमने यहाँ पर आज किया है, जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स, एक बार फिर मैं बता दूँ आप लोग भी बड़ा इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को, जरा सुनिएगा क्योंकि जो गुल अहमद है वो तो देखें लॉन्च कल से हो गया और आज आपको मिल गया है,
और आज रात को अलकरम जो है वो लॉन्च होगा और ओरिजिन और तर्ज जो है वो लॉन्चिंग होगी सिर्फ कल। सफायर एंड जुनेद जमशेद लॉन्च होगा 3 मार्च को, सना सफीनाज लॉन्च होगा 4 मार्च को। और ये वो के हवाले से बता रही हूँ आपको, ये वो पे आपको फ़ौरन से ये जो डेट्स बताई इस पे आपने जो है सिर्फ और सिर्फ ये वो पर ही लॉन्च हो रहा है और आपने ये वो के जरिए फ़ौरन से आपने अपना ऑर्डर जो है दे देना है। सारी ब्रांड्स तो आपको मिल गए यहाँ पे, बिल्कुल सब चीज़ें। और आप जाएं अगेन यू नेम इट, इतना कुछ आपको मिलता है। जैसे हम जाते हैं किसी बड़े सुपर स्टोर में तो वहाँ इतना चल चल के क्रॉकरी का डिपार्टमेंट वहाँ, कपड़ों का डिपार्टमेंट वहाँ, थक जाते हैं। अब ये घर में बैठे एक ही चीज़ों पर क्लिक करते रहो सामने आती जाए। बिल्कुल अच्छा। और जिस तरह मैंने भी ओरिजिन्स का ये ब्रांड पहना हुआ है, वेरी वेरी नाइस। मैं खड़ी हो लग रहा है लेकिन ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी और खुशी की बात है कि इतने सारे नए जो यंग डिजाइनर्स जो उभर कर आ रहे हैं, जो बढ़ कर आ रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को उन्होंने ज्वाइन किया है और उसके बाद वो हमारे लिए अच्छी अच्छी कलेक्शंस लेकर आते हैं। अच्छा मौसमरी भी जिसने आपको बताया कि वो भी yevo.com पर अवेलेबल है और इसके अलावा बहुत सारे और ब्रांड्स भी हैं। ये तो हमने कुछ आपको ब्रांड्स के बारे में, इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको yevo.com पर मिल जाएंगे। समरी एक ऐसा ब्रांड था कि जब बस लाहौर जाते थे तो ही लेना होता था। हाँ आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सो देखिए ऑनलाइन ने कितना कमाल दिखाया। अब खुल गया सेंटर में। हाँ अरे अब तो खुल गया लेकिन पहले तो आपको लाहौर से ही आते थे मुझे याद है। लेकिन अभी भी पता है कई ब्रांड्स ऐसे हैं, शुरू से लेती रही उस्मान सेंटर से बहुत सारा। मैं और आता था सुनीता की सास तो पहनती थी समरी। देखिए कलेक्शन जो है ना वही बड़ी बात है कि हर कलेक्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पर मिल रही होती है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग ने आपके लिए ये आसानी कर दी कि आपको हर कलेक्शन आपको मिल रही है। अभी आप कॉलर ने भी बताया था कि हमें इतने इतने ब्रांड्स हमें मिल रहे हैं, हम उनकी शॉपिंग भी कर रहे हैं, लाहौर जाने की जरूरत नहीं और आपको इधर उधर। हाँ बिल्कुल, लाहौर का ब्रांड यहाँ पर, यहाँ की जो चीज़ें वो आपको वहाँ पर, मतलब हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इवन इस्लामाबाद हो गया, पेशावर हो गया, क्वेटा हो गया और बहुत सारे शहर जितने भी हैं, छोटे भी हों बड़े हों, वहाँ पर आप ईजिली, मतलब आपको हैसल नहीं है। अच्छा कितने लोग हैं जिसना जो लाहौर से करीब रहते हैं, आई स्टिल रिमेम्बर, वो ये कहते हैं जी लाहौर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अब आपका ये हैसल भी खत्म हो गया ऑल द वे आप जहाँ आप ट्रैवलिंग करते हैं इतनी दूर तक। जी अच्छा सफायर जब लॉन्च होगा तो 120 मिनट में पहुंच जाएगा। ओके ये मुझे भी खबर मिली है जो मैंने खबर अभी सुना दी है। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये? ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ भी आप ऑनलाइन वहां से ऑर्डर करें 120 मिनट 120 रुपए में नहीं 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 120 मिनट में बाहर मिल रहा है। पूरी बात सुना करो विनीता, 120 मिनट में पहुंच जाएगा और ये इंसान के बाद वेरी गुड फ्री डिलीवरी है और जरूरी है। पॉइंट 1 मिनट और अगर 125 मिनट हो गए तो फिर क्या होगा जी बताएं। 120 का नहीं होंगे ना, वो कह रहे होंगे नहीं, उससे पहले ही पहुंच जाएगा। देखिए टीसीएस हाजिर की भी 120 दो घंटे होते हैं ना, दो घंटे का फिगर तो दिया हाँ ना, तो अगर 125 हो गए तो नहीं होगा ना। चलो मैं ट्राई कर लूंगी। चलो हाँ ये नेक्स्ट टाइम अगर आपको देखे कोई शक व शुबा हो तो आप जरूर ट्राई करना। शक व शुबा शकी बहुत। अभी आप देखिए जो शॉल अभी दी थी जिनको, उनको 25 मिनट में, हाँ 25 मिनट जिनकी कॉलर, तो उनको इतनी जल्दी मिल गई। तो टीसीएस हाजिर की सर्विस माशाल्लाह इज रियली गुड। अगर आपको भी कोई ऐसा मसला होता है, आप शूट पर हैं, आपको अपना कोई चीज पहुँचानी है अपने घर से मंगवानी है, ये तो आपको हैसल नहीं करना। आप अगर आपको अपने कपड़े जो है कोई भी चीज मम्मी के घर तक पहुंचाने का जरूरत नहीं है कि आप ऑल द वे जाएं, आप टीसीएस हाजिर के जरिए आप पहुंचा दें, वो पहुंच जाएंगे इतनी जल्दी। आप वहां से अपने कुछ मंगवाना है तो ऑसम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, तो ये आज जो हमने आगाज किया है तो आगे देखें कि कितनी और चीज़ें होंगी, कितने और बातें होंगी और फैशन के बारे से आपको मज़ीद बहुत सारी और चीज़ें बताते रहेंगे। लॉन सबका बड़ा फेवरेट होता है क्योंकि ये हम सिर्फ अपनी बात नहीं कहते, हम कहते हैं ग्रूमिंग की बात है कि आप जितने अच्छे आप दिखेंगे उतना अच्छा खुद भी फील करेंगे और देखने वालों को भी, क्योंकि खूबसूरती जो है वो हर इंसान के अंदर होती है। अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बनाना, ये कैसे करना ये आपके अंदर खुद के अंदर ये जो है ढंग होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों की जो है वो लोगों तक भी पहुंची है और पूरे हमारे सेट पर भी। किरण तो मोटी होना चाह रही है। हाँ किरण ना जो है ना बस अब डाइट से खराब कर लिया। खुशी में इंसान मुंह मीठा करता है। ये हुई ना बात जी। चले जी बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन और इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।
सुबह नौ लाई।